मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 0112-9010701 पर। सो फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे बॉलीवुड की मच इनोटेड फिल्म रूही को, और इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बताएंगे जो आप लोग नहीं जानते होंगे। रूही फिल्म को 11 मार्च 2021 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म को काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को यूरोप पर देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि ये मूवी आपको यूरोप पर देखने को नहीं मिलता है क्योंकि इस फिल्म को किसी भी कंपनी ने यूरोप पर अपलोड नहीं किया है। दोस्तों इस मूवी को 11 मार्च 2021 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म को काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे और इस मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यू रेटिंग भी मिली हुई है। इस मूवी की बजट के बारे में हम बातें करते तो 20 करोड़ के बजट में इस फिल्म को बनाया गया था और ये मूवी दुनिया भर में 30.33 करोड़ से अधिक का इनकम किया हुआ है। इस हिसाब से ये मूवी हिट साबित हुई है। इस फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बातें करते तो हार्दिक मेहता सर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं और इस फिल्म के राइटर के बारे में हम बातें करें तो मरदीप सिंह लामा एंड गौतम मेहरा ने मिलकर इस फिल्म की कहानी को लिखे हैं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है दिनेश बजमी इंसाती मरदीप सिंह लांबा और इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में बातें करते तो राजकुमार राव, वरुण शर्मा, जानवी कपूर इस फिल्म में मुख्य अभिनेत्री हैं और इस मूवी को 11 मार्च 2021 को रिलीज़ किया गया था। इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो स्टूडियो इंसाती, उनके साथ मोडाक फिल्म्स के बैनर के तहत मूवीज़ को रिलीज़ किया गया था। ये फिल्म एक भूतिया फिल्म है जो कि एक भूत की कहानी इस फिल्म में बतलाया गया है और ये हिंदी भाषा एंड तमिल भाषा में डब करके रिलीज़ किया गया था। इस फिल्म से जुड़ी काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बतलाने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रूही फिल्म 2021 भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो हार्दिक मेहता द्वारा निर्मित की गई और इस फिल्म में आपको एक अच्छी कहानी बतलाई गई है। कहानी अच्छी हो तो मूवी को देखने का मजा ही कुछ और होता है। 2021 भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो हार्दिक मेहता द्वारा निर्देशित की गई और दिनेश बजमी द्वारा मैडॉग फिल्म के बैनर के तले इस मूवीज को बनाया गया है। फिल्म में दिनेश बजमी की हॉरर कॉमेडी ब्राह्मण में दूसरी किस्म में बतलाई जाती है और पहली छतरी है और इसके बाद भेड़िया बन जाती है। यह एक भूत की कहानी बताई जाती है जो कि हनीमून पर दुल्हनों का अपहरण कर लिया जाता है। फिल्म में राजकुमार राव, जानवी कपूर और वरुण शर्मा ने अभिनय किए हैं। इसकी घोषणा 29 मार्च 2019 को की गई थी। फिल्म मंकन 14 जून 2019 को शुरू हुआ था और फिल्म जून 2020 में रिलीज होने वाली थी लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इस फिल्म को 2021 में रिलीज किया गया। अब 11 मार्च 2021 को रिलीज हुई ये फिल्म और इस मूवी को काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले। ऑडियंस ने इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन रिव्यू रेटिंग दिया है। इस फिल्म को इसके और साथ ही जटिल कथानक के लिए समीक्षकों से मिली जुली अच्छा समीक्षाएं मिली है। द इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रकाशनों ने इसे जो है 2021 की अब तक की सबसे यानी कि खराब हिंदी फिल्मों में से बतलाया है और इस फिल्म को शुरू में 20 मार्च 2020 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी लेकिन निर्माताओं ने बाद में 17 अप्रैल 2021 को न्यू रिलीज की तारीख की घोषणा की थी और इसे फिर से दोबारा से चेंज करके 17 फरवरी 5 जून को कर दिया गया था। फाइनली इस फिल्म को 11 मार्च 2021 को रिलीज किया गया जो आप लोग को पता है और फिल्म 8 अप्रैल को जियो सिनेमा पर रिलीज हुई और अगले दिन नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को रिलीज किया गया था। दोस्तों इस फिल्म को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग इस मूवी को जियो पर जाके देख सकते हैं या फिर नेटफ्लिक्स से आप लोग इस फिल्म को देख सकते हैं। रूही फिल्म को आलोचकों से मिली जुली अच्छा समीक्षाएँ मिली है। रोटन टमाटोज के बारे में हम बातें करते तो इन्होंने 10% की रेटिंग दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3.5 की सितारे की रेटिंग दी है और उन्होंने कहा है कि रूही हंसी और साथ ही रोमांस वाली फिल्म है और काफ़ी मनोरंजन करती है। ये मूवी बॉलीवुड हंगामा ने इस फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दिया है और लिखा है कि निराशाजनक यह है कि इस मूवी की चरमोत्कर्ष के बावजूद भी रूही एक अनूठी और शांति अवधारण कहानी बतलाती है। बेहतरीन प्रदर्शन के बाद भी कुछ यानी कि दिलचस्प बातें इस मूवी में छुपी हुई है।
अजीब और भी यानी कि डरावने दृश्यों पर टिकी हुई फिल्म है। और कोई मोई ने इस फिल्म के बारे में उन्होंने कहा है और उन्होंने इस फिल्म को 2.5 की रेटिंग दी है और कहा कि रूही के पास इसके चन है लेकिन वह इसे मनोरंजन करने में और रूप में लेवल करने के लिए बहुत कम है। कुल मिलाकर उत्पादन अभिनय विभाग चमकता है और अन्य यानी कि बुरे से माध्यम रूप से अच्छे के बीच में रहते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका राहुल उनके साथ जो है कुकरेजा ने रूही फिल्म को जटिल फिल्म के रूप में वर्णित किया और उन्होंने फिल्म में राव और शर्मा के साथ ही जो है शमी करण की प्रशंसा की लेकिन कपूर की आलोचना भी इस फिल्म में की गई। और NDTV की सैबल चटर्जी ने इस फिल्म को 2.5 की रेटिंग दी और कहा कि फिल्म जो है यानी कि नारीवादी विद्रोही के इलाके में शैली की परंपराओं और साथ ही उद्यम को तोड़ना चाहती है। साथ ही इस किराल की नंदिनी और रामनाथ ने कहा है कि रूही एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें कुछ आत्मा है लेकिन कोई आत्मा नहीं है। और साथ ही CNN IBN की रोहित वर्ष ने लिखा है कि साथ ही मगर दीप सिंह लंबा और गौतम मेहरा द्वारा लिखित की रूही मूवी जो है पूरी तरह से बेकार में स्वस्थता देता है। दोस्तों इस वीडियो में हम रूही फिल्म को रिव्यू कर रहे हैं। अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ये फिल्म आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलता है क्योंकि यूट्यूब पे इस फिल्म को किसी भी कंपनी ने अपलोड नहीं किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों आप लोगों को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम रूही मूवी की फुल हिंदी में रिव्यू कर रहे हैं। मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अनसुनी फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। अब इस फिल्म के बारे में द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने रूही फिल्म को 1.5 की रेटिंग दी है और इसे सादा भयानक फिल्म कहा है। और उसने आगे कहा है कि रूही एक यानी कि सुसंगत कथानक है और लेखन को याद कर रही है। हमें अगले के बाद एक यानी कि क्रिंग यानी कि प्रेरक और साथ ही अनुक्रम मिलता है। टेड और साथ ही एना लिस्टरन अदर्स ने इस फिल्म को 2.5 की रेटिंग दी और इसे जो है निराशाजनक बताया है। आगे उन्होंने कहा है कि सत्री के करीब कहीं भी यानी कि कमजोर पटकथा लेखन और साथ ही बिट्स और साथ ही स्पर्श में काम करता है पूरी तरह से नहीं। और साथ ही सेकेंड हाफ प्लस उनके साथ जो है क्लाइमेक्स में प्रभाव का अभाव दिया है लेकिन उन्होंने मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की है। फिल्म कंपेनियन की अनुपमा चोपड़ा ने लिखा है कि फिल्म कई गोदों को और जोड़ना चाहती है। अब इस फिल्म की डरावनी कॉमेडी और साथ ही नारीवादी संदेश एक प्रेम त्रिकोण में बदल जाता है। एक साथ ही जो है ब्रोमांस लेकिन लगभग सभी को जो है छोड़ दिया जाता है। फर्स्ट पोस्ट के अन्ना MM ने वेटी कैट ने फिल्म को 1.5 की रेटिंग दी है और लिखा है कि रूही मूवी हॉरर कॉमेडी है जो कि छिटपुट हास्य नारीवाद की कहानी को बतलाता है। नारीवाद की कहानी के बावजूद भी आगमन पर मृत है और उन्होंने राव और शर्मा की कॉमिक टाइमिंग के लिए प्रशंसा की है लेकिन लेखकों और फिल्म के साथ जो है इनके शमग्रह कथानक और कपूर के प्रदर्शन की आलोचना करते हुए कहा है कि वह किसी अन्य को कास्ट कर सकते थे और अभिनेता को उनके स्थान पर रखा जाता है और इससे फिल्म को एक इंच की यानी कि फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने आगे कहा है कि रूही फिल्म की अपने नारीवादी और साथ ही लक्ष्यों के प्रति जो है प्रतिबद्धता की कमी को अपनी महिला और साथ ही कलाकार की उनके साथ जो है अप्रासंगिकता से बेहतर कुछ भी नहीं दर्शाता है। अब इस फिल्म के बारे में नम्रता जोशी ने कहा है कि नेशनल और साथ ही हेराल्ड इंडिया की तुलना में रूही मूवी विद स्त्री को कहा जाता है और जबकि क्षत्रिय और साथ ही फुल झड़ी और साथ ही उनके साथ जो है विसंगतियों के बावजूद भी उल्लेखनीय रूप से जो है देखने योग्य थी। रूही मूल रूप से यानी कि उनके साथ जो है असहनीय है इसके साथ जो है डरावनी और पक्षों को सही जो है ठहराने के लिए सीट से कूदने का कोई भी क्षण नहीं है। कोई मोई और साथ ही ठंडक नहीं है वहाँ तक कि जहाँ तक कॉमेडी का सवाल है इसमें जो है बामुश्किल कोई भी योग्य परिहास और साथ ही बेहुदापन दिया है। केवल इनके साथ जो है लंगड़ा थप्पर और उनके साथ जो है चुटकुले जो कि सपाट हो जाते हैं। और डेकन हेराल्ड के रोतिम राजपाल ने रूही फिल्म को बड़ी निराशा कहा। उन्होंने राव और शर्मा के प्रदर्शन की प्रशंसा की लेकिन जानवी कपूर की आलोचना की साथ में कहा कि कपूर एक प्रभाव बनाने में विफल रहे हैं और
साथ ही मैसेबल इंडिया की सुश्री साहू ने राव और शर्मा की प्रशंसा की, लेकिन जानवी कपूर और उनकी फिल्म के निर्देशक की आलोचना करते हुए कहा कि कपूर बिना किसी अवसाथी दौनी निर्देशन के एक यानी कि सपाट प्रदर्शन के साथ जो है यानी कि बस देखने योग्य नहीं है। इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं रूही फिल्म को, जो एक भूतिया फिल्म है। इस मूवी को 11 मार्च 2021 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म को काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे, मूवी को काफ़ी अच्छी सफलता मिली है। दोस्तों इस फिल्म को 20 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और ये मूवी 30 करोड़ से अधिक की कमाई की है, यानी कि अपने बजट को ये मूवी रिकवर किया है, लेकिन अपने बजट से कुछ ज़्यादा इनकम नहीं किया है। रूही फिल्म 2021 की भूतिया फिल्म है जिसकी रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़ी काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं। रूही फिल्म ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पे 3.6 करोड़ की इनकम किए थे, जो कि दूसरे दिन कलेक्शन घटकर 2.25 करोड़ रह गया था। इसने जो है तीसरे दिन 3.42 करोड़ और साथ ही चौथे दिन जो है 3.85 करोड़ का कलेक्शन किया और फिल्म का कुल यानी कि ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन जो है 12.58 करोड़ रह गया था। और 2 अप्रैल 2021 तक भारत में 27.68 करोड़ और विदेशों में 2.65 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म का दुनिया भर में 30.33 करोड़ का कलेक्शन है। और फिल्म के बाद फिल्म और साथ ही भेड़िया 2022 में आएगी, जिसमें जो है कपूर रूही के रूप में होंगे। इस मूवी के पार्ट दूसरा है जिसमें कपूर जो है रूही के रूप में अपनी जो है भूमिका निभाएंगे और फिल्म में राव के साथ एक सीधा और साथ ही सीक्वल भी होगा कपूर और वरुण शर्मा के साथ ही फ्रेंच चाइनीज के अन्य पात्रों के साथ जो है लौटने की उम्मीद है, जिसमें जो है राव को और साथ ही भरवा पांडे और विक्की के दोनों किरदारों को जो है निभाने की उम्मीद है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं रूही फिल्म को, जिसे 2021 में रिलीज किया गया था। इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अनसनी फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। इस फिल्म को जियो स्टूडियोज़ के बैनर के तहत बनाया गया है और मूवी 11 मार्च 2021 को रिलीज हुई थी। हार्दिक मेहता सर इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं और इस फिल्म की कहानी गौतम मेहरा सर ने लिखी है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है दिनेश बजमी एंड मरिक दीप सिंह लामा इस फिल्म के प्रोड्यूसर है और राजकुमार राव, वरुण शर्मा एंड जानवी कपूर इस फिल्म की अभिनेत्री है। दोस्तों ये एक बेहतरीन फिल्म है जिसकी रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों अब रिव्यू करते हैं इस फिल्म की कहानी को और ये जानने की कोशिश करते हैं इस फिल्म की कहानी किस मूवी से आधारित है और किस मूवी से रीमेक है। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। भावरा पांडे इस फिल्म में और कटीन उनके साथ जो है कुरेशी जो है बगदपुर नामक एक गांव में रहते हैं, यानी कि बगदपुर गांव में वो रहते हैं जहां लड़की को उसकी इच्छा के विरुद्ध जो है अपहरण करने की प्रथा की जाती है, जो उससे शादी करना चाहता है। उन्हें उनके बॉस और साथ ही अपहरण गिरोह के नेता उनके साथ जो है गुनिया भाई धारा रूही को एक अनुबंध के तहत जो है अपहरण करने का काम सौंपा जाता है, जो उससे शादी करना चाहता है। हालांकि दूल्हे के परिवार में एक मौत उन्हें एक यानी कि परित्यक्त लड़की की दुकान में छिपाने के लिए मजबूर करती है, ताकि अंतिम संस्करण के बाद शादी हो सके। और अपने प्रवास के दौरान वो जो है यानी कि भावरा को पता चलता है कि रूही में वास्तव में एक यानी कि राक्षसी आत्मा घुस गई है, जिसकी पुष्टि उसके पिता ने की है। और रूही की वास्तव में एक साल पहले शादी होनी थी, लेकिन दूल्हा और उसका परिवार उसे जो है अपने कब्जे में देख कर जो है भाग जाता है। और भावरा रूही से प्यार करती है और उसके शरीर से आत्मा को यानी कि लुभाने की कोशिश करती है। दूसरी ओर कटनी और साथी जो यानी कि राक्षसी आत्मा से प्रभावित हो जाती है, जो खुद को यानी कि अफजा के रूप में पहचानती है और रूही के बजाय उसे आगे लाने की कोशिश करती है ताकि वह उससे बात कर सके। उन्हें पता चलता है कि दानव एक यानी कि मुदी या प्यारी और साथी यानी कि पिज्जे पैरों वाली एक जो यानी कि चुड़ैल है और वह तक नहीं छोड़ेगी
जब तक कि वह उस लड़की के साथ शादी नहीं कर लेती जिसके पास वह यानी कि गुनिया भाई रूही के अपहरण के पीछे यानी कि पुलिस जांच के डर से उन्हें जो है उसे छोड़ने का निर्देश देते हैं, लेकिन वह जो है यानी कि मना कर देता है, जिससे जो है उसे काम करने के लिए अपने और साथी गुर्गे भेजने के लिए मजबूर किया जाता है। और भौरा को एक यानी कि बूढ़ी औरत से पता चलता है कि दुनिया और साथी जो यानी कि मुदिया पेरी को एक ऐसे पुरुष से शादी करने के लिए छल करना पड़ता है जो कि पहले से ही साथी जो है इनकी शादीशुदा है, जो उसे रखेल बनाता है और उसे अपने पास जो है मौजूद शरीर को छोड़ने के लिए मजबूर करता है। अब बुढ़िया पहले से ही उसी डायन के पास थी और उसने आत्मा को भगा दिया था, लेकिन उससे पहले कि क्रोधित आत्मा ने अपने कठिन पति को मार डाला और साथ ही आपसा धारा गुर्गे पर हमला किया जाता है। एक ही हत्या कर दी जाती है और दूसरा घायल हो जाता है, एक वहीं पे मर जाता है, दूसरा घायल हो जाता है। इसलिए भौरा रूही और कटनी उनके साथ जो चिमत्तीपुर नामक एक गाँव के लिए निकलते हैं, जहां भौरा एक कुत्ते से शादी करती है ताकि वह चुड़ैल को साथी जो है बरगलाए। हालांकि गांव वाले उसे जो है अपने पवित्र गांव में एक चुड़ैल लाने के लिए साथी दंडित करते हैं। भाई बदला लेने के लिए आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उनके साथ जो है अब्जा को एक दिन से कम समय में शादी करनी है अपनी प्रतिष्ठा को फिर से जो है बनाने के लिए। उनके साथ जो है उत्सुक हो जाता है और गुनिया भाई अब्जा से कहता है कि गुनिया का भाई जो है अब्जा से ये कहता है वह उस लड़के से शादी कर सकती है जिसने जो है रूही से शादी करने का अनुबंध दिया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम रूही फिल्म को रिव्यू कर रहे हैं और इस फिल्म की अजीबोगरीब कहानी को इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ इस मूवी की एक भूतिया कहानी है जो कि लोगों को कुछ पसंद आया था और कुछ को नहीं पसंद आया। इस मूवी की रिव्यू रेटिंग काफ़ी ज़्यादा कम है। मैंने इसकी रिव्यू रेटिंग के बारे में आप लोगों से बातें की थी। अगर आप लोग इस फिल्म की रिव्यू रेटिंग के बारे में सुने हैं और आप लोगों के दिमाग में क्या इसके बारे में चल रहा है, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे अनसुनी फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। आज के इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं। इस फिल्म को 11 मार्च 2021 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म को काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। अब इधर इस मूवी की जो कहानी चल रही है वो काफ़ी अजीबोगरीब कहानी है जो इस वीडियो में हम आप लोग को रिव्यू करके बता रहे हैं। अब शादी में पहुँचते हैं सारे लोग और भौरा भी उस शादी में पहले से ही पहुँचा रहता है। कटनी भौरा की शादी की पोशाक में सजी हुई है और कटनी अब्जा को उससे शादी करने के लिए मना लेती है। अब बुढ़िया औरत यहीं पे बैठी रहती है और बाधित हो जाती है, जो कि अफजा को बताती है शादी एक धोखाधारी है। उसे कुत्ते की शादी का वीडियो दिखाया जाता है। वह भौरा को दूल्हे की पोशाक में देखकर भ्रमित हो जाती है और उसे कटनी समझ ली जाती है। क्रोधित अफजा ने भौरा को उससे शादी करने का आदेश दिया, लेकिन रूही ने उसे रोक दिया और रूही फिर अफजा से शादी खुद कर ली और खुद अफजा से शादी करने का फैसला करती है, जिससे अफजा ने उसे दुश्मन की तरह व्यवहार करने के बजाय उसे जो यानी कि ताकत दी थी और उसे अपना लेता है। रूही और अफजा एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं और भौरा और कटनी को पीछे छोड़ दिया जाता है। जब पुलिस रूही के पिता के साथ आती है तो उन्हें बूढ़ी औरत धारा जो है बताया जाता है कि रूही खुद के साथ जो है भाग गई है, लेकिन बूढ़ी औरत भी गायब हो जाती है। यह दर्शाता है कि वह अब्जा की मदद कर रही होगी क्योंकि उसने खुद अतीत में मुदिया पेरी से शादी की थी। दोस्तों, इस फिल्म के पार्ट टू आपको 2022 में देखने को मिलेंगी क्योंकि इसके पार्ट टू पे काम किया जा रहा है। रूही पार्ट टू फिल्म आपको 2022 में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं रूही फिल्म को और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। इस फिल्म में जानवी कपूर का जो किरदार है, रूही का किरदार इन्होंने इस फिल्म में निभाया है। राजकुमार राव भौरा पांडे के किरदार में नजर आए हैं। वरुण शर्मा साथ ही कट्टिनी कुरैशी के किरदार में इस फिल्म में नजर आए हैं। साथ ही सरिता जोशी बुढ़िया का किरदार में नजर आई है, जो कि एक आत्मा रहती है। इस वीडियो में हम रूही फिल्म से जुड़े काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, आप लोग को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। इस फिल्म को डायरेक्ट किए हार्दिक मेहता सर ने और इस फिल्म की कहानी गौतम मेहरा ने लिखी है। इस फिल्म में आपको राजकुमार राव, वरुण शर्मा एंड
जानवी कपूर ने अभिनय की है। इस फिल्म को जियो स्टूडियोज़ के बैनर के तहत रिलीज किया गया था। इस फिल्म ने दुनिया भर में 30.33 करोड़ का कमाई किया है और इस मूवी का बजट था 20 करोड़, जो कि अपने बजट को रिकवर कर लिया है। मूवी को कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रिलीज किए गए थे और फिल्म को दर्शकों ने अच्छा रिव्यू रेटिंग दिया है। हालांकि फिल्म उतनी ज़्यादा कमाई नहीं की थी, फिर भी ये मूवी यानी कि स्लीपर हिट बनकर उभरी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं इस मूवी को और इस फिल्म से जुड़ी काफ़ी अनसुनी फैक्ट को बता रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जानवी कपूर के बारे में, जो आप लोग को पता है श्रीदेवी की बेटी है, और इनके बारे में हम कुछ बातें बताएंगे इन्होंने अब तक कितनी फिल्मों में काम की है और इनको अब तक कितने अवार्ड मिले हुए हैं। श्रीदेवी, जो आप लोग जानते हैं कि उनको महारत हासिल था एक्टिंग में और उन्होंने अपनी करियर में कई सारे फिल्मों में काम की थी। इनकी जन्म के बारे में बातें करें तो 6 मार्च 1997 में इनका जन्म हुआ था और इनकी एज जो है 24 साल की हो चुकी है। मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। जानवी कपूर के पिता के नाम बोनी कपूर है और उनकी मां का नाम श्रीदेवी है, जो कि एक बहुत ही बड़ी अभिनेत्री थी। इस वीडियो में हम रूही फिल्म को रिव्यू कर रहे हैं और इस मूवी से जुड़ी काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। तो इस वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। आप लोग को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। रूही फिल्म से जुड़ी काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं, जिसे 2021 में रिलीज किया गया था। जानवी कपूर का जन्म 6 मार्च 1997 में हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी भाषा की फिल्मों में काम करती हैं। श्रीदेवी और बोनी कपूर के घर में जन्मी हैं। 2018 में रोमांटिक ड्रामा फिल्म ड्रग से इन्होंने अभिनय की शुरुआत की, जो कि एक व्यावसायिक सफलता फिल्म थी और कपूर ने तब से नेटफ्लिक्स की फिल्मों और साथ ही घोस्ट स्टोरीज और साथ ही जो है गुंजन सक्सेना द साथ ही कारगिल गर्ल दोनों ही फिल्मों में अभिनय किया, जिसे 2020 में रिलीज किया गया है। जानवी कपूर का जन्म 6 मार्च 1997 को अभिनेत्री श्रीदेवी और फिल्म निर्माता बोनी कपूर के घर में इनका जन्म हुआ था। उनकी एक छोटी बहन खुशी और दो सौतेले भाई बहन हैं। अभिनेता अर्जुन कपूर और साथी अंशुला कपूर है। वह अभिनेता अनिल कपूर और संजय कपूर की भतीजी है। उन्होंने मुंबई के धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की है। अपनी फिल्म की शुरुआत करने से पहले उन्होंने साथी कैलिफोर्निया के ली और साथी एस्ट्रा सबर थिएटर एंड फिल्म स्टूडियो से अभिनय का कोर्स इन्होंने प्राप्त किया है। कपूर ने अपने अभिनय की शुरुआत 2018 में शशांक खेतान द्वारा निर्देशित रोमांस धड़क फिल्म से शुरुआत की थी, जिसमें ईशान खट्टर सह कलाकार थे। 2016 की मराठी फिल्म उनके साथ सैराट की एक हिंदी भाषा की रीमेक मूवी थी। इसमें उन्हें जो है एक उच्च वर्ग की युवा लड़की के रूप में दिखाया गया था, जिसका जीवन एक निम्न वर्ग के लड़के खट्टर द्वारा अभिनीत के साथ भाग जाने के बाद जो है दुखद हो जाता है। फिल्म को मुख्य रूप से नकारात्मक समीक्षा मिली थी, लेकिन दुनिया भर में ये फिल्म 1.1 बिलियन के संग्रह के साथ यह एक व्यावसायिक सफलता साबित हुई थी। CNN IBN न्यूज़ की 18 के लिए लिखते हुए राजीव मसनद ने इस फिल्म के बारे में यह कहा है और आधारित यानी कि संदर्भों को हटाने के लिए फिल्म की आलोचना की है और इसे जो है मूल से नीचा समझा गया है, लेकिन महसूस किया गया है कि उनके साथ कपूर में एक यानी कि नाजुकता है जो कि उन्हें तुरंत प्यारी बनाती है और एक यानी कि भावपूर्ण गुण जो कि आपको आंखों को देखना मुश्किल बना देता है उसे पर्दे पर बंद कर देते हैं। और इसके यानी कि विपरीत और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के अन्ना MM वेटिकेट ने सोचा कि उनमें यानी कि व्यक्तित्व की कमी है और वह जो है रंगीन प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए जी सिनेमा पुरस्कार जीता है। उसी वर्ष साथ ही सौंदर्य और साथ ही प्रसाधन ब्रांड और नायकों ने कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। कपूर की अगले स्क्रीन और उपस्थिति 2020 में आई, जब उन्होंने नेटफ्लिक्स हॉरर और साथ ही एंथोलॉजी फिल्म घोस्ट स्टोरीज में इन्होंने काम किया। घोस्ट स्टोरीज में जोया अख्तर के खंड में अभिनय किया था। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने खंडों को नापसंद किया था, लेकिन कहा कि केवल असली और साथ ही आश्चर्य जय है और साथ ही उनके साथ जो है जानवी कपूर से एक ठोस और साथ ही वास्तविक अभिनय में आती है। इसके बाद उन्होंने बायोपिक और साथ ही गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में
और एविएटर गुंजन सक्सेना के शीर्षक भूमिका निभाई, जो कि कोविड-19 महामारी के कारण साथी जो है यानी कि नाटकीय रूप से रिलीज नहीं हो सकी और इसके बजाय नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को स्ट्रीमिंग की गई। और तैयारी में उसने जो है सक्सेना के साथ समय बिताया था और शारीरिक प्रशिक्षण लिया था और एक वायुसेना अधिकारी जो है उनके साथ शारीरिक भाषा सीखी थी। और NDTV के सैवल चटर्जी ने कपूर के प्रदर्शन को बिल्कुल यानी कि स्थिर बताया, जबकि फिल्म कैंपेनियन के राहुल देसाई ने उनकी जो है यानी कि भ्रामक रूप से निजी की अधिक जो है यानी कि सराहना की थी। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं रूही फिल्म को और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों जानवी कपूर के बारे में हम बता रहे थे, जिनकी कुछ ही फिल्म अभी आए हैं और इनकी पहली फिल्म जो है काफ़ी ज़्यादा हिट हुई थी और इस वीडियो में हम इस फिल्म से जुड़ी काफ़ी अनसनी फैक्ट को बताएंगे, तो आप लोग इस वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हार्दिक मेहता सर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं, जो कि एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। इन्होंने अब तक कई सारे फिल्मों को डायरेक्ट किए हैं। इनके रियल लाइफ के बारे में हम बातें करें तो इनकी रियल लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं है। इन्होंने अब तक कितने फिल्मों में अभिनय किया, चलिए इसके बारे में हम बता देते हैं। आई होप कि आप लोग को ये बातें अच्छा लग रहा होगा। आप लोग को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। हार्दिक मेहता एक लेखक निर्देशक हैं, जो कि फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों फॉर्मेट में काम करते हैं। उन्होंने गुजरात में साथी पंथ बागजी उत्सव की पृष्ठभूमि के खिलाफ अपने और साथी वृत्तचित्र लघु और साथी अमदवादमा और साथी फेमस सेट के लिए कई अन्य पुरस्कारों और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सम्मान के अलावा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। मेहता ने और साथी उनके साथ जो है AJK मास और साथी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर और जामिया और उनके साथ जो है मिलिया इस्लामिया से मास और साथी कम्युनिकेशन में और साथी MA की डिग्री के साथ जो है स्नातक किया है। उन्होंने अगले कुछ साल भारतीय फिल्म उद्योग के कुछ सबसे प्रसिद्ध हस्तियों जैसे देव और साथी बेनेगल और साथी विक्रम आदित्य मोटवाने और विकास बहल के साथ जो है काम करते हुए बताए हैं। एक सहायक निर्देशक और साथी पद का निरंतरण और साथी पर्यवेक्षण के रूप में इन्होंने काम किया है। सन 2015 में उन्होंने गुजरात में साथी पंतबाजी उस शो की पृष्ठभूमि के खिलाफ अपनी लघु और साथी वृत्त चित्र और साथी अमदावामा फेमस 2015 का निर्देशन किया था, जिसने उन्हें 2016 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए सर्वनन कमल राष्ट्रीय पुरस्कार इन्होंने जीता था। अब 2017 में हार्दिक ने एक लघु फिल्म द अफेयर लिखा है और साथ ही निर्देशित किया है, जिसे जो है दृश्यम फिल्म्स और द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। उड़ान और साथी लुटेरा के निर्देशन विक्रम आदित्य मोटा उनके साथ जो है मोटवाना के साथ अपने जुड़वा को बधाते हुए मेहता ने 2017 की साथी शर्वाइन थ्रिलर और साथी ट्रैपॉन की पटकथा भी लिखी थी। उनकी पहली फीचर फिल्म उनके साथ जो है कामयाब का प्रीमियर 2018 बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और बाद में इसे जो है यानी कि सुपरस्टार शाहरुख खान ने चुना, जिन्होंने दृश्यम फिल्म के साथ अपने और साथ ही प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत जो है फिल्म का सह निर्माण किया था। और साथ ही कामयाब ने 6 मार्च 2020 को साथ ही नाटकीय रूप से समीक्षा की थी और अब नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में उपलब्ध इस फिल्म को चलाया जा रहा है। मेहता ने अत्यधिक प्रशंसा अमेजन प्राइम वीडियो श्रृंखला पाताल लोक का सह लेखन भी किया है। राजकुमार राव, वरुण शर्मा और जानवी कपूर के साथ अभिनीत उनकी अगली निर्देशित फिल्म रूही मूवी मार्च 2021 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले हैं, जिसकी रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं। इस वीडियो में हम रूही फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं और इस फिल्म की कुछ ऐसी अनसनी फैक्ट को ही बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बताए हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। अब हम बात करेंगे इस मूवी के लेड एक्टर वरुण शर्मा के बारे में, जिन्होंने इस फिल्म में अभिनय किया है। दोस्तों वरुण शर्मा एक साइड एक्टर है, जो कि कई सारी कॉमेडी फिल्मों में हम इनको पहले देख चुके हैं और इस फिल्म में रूही फिल्म में इन्होंने एक सहायक अभिनेता के रूप में काम किया है और राजकुमार राव के साथ एक लेड एक्टर के तौर पर इन्होंने
इस फिल्म में अभिनय किया है। सो इस वीडियो में हम इनके बारे में काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बताने वाले हैं, तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो में अगर आप लोग को ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर हाजिर हुए हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। अब हम थोड़ी सी बातें बतलाएंगे वरुण शर्मा के बारे में, जिन्होंने कई सारी कॉमेडी फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं और हास्य फिल्में भी दिखाई दे चुके हैं। कपिल शर्मा के साथ भी कई दफ़ा कपिल शर्मा शो पे आ चुके हैं। 2013 में शर्मा अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म कॉमेडी ड्रामा फुकरे में दिखाई दिए थे, जिसका निर्देशन साथी ग्रीमा दीप सिंह हिलांबा ने किया था। यह दुनिया भर में 700 मिलियन से अधिक की कमाई की थी, जो 9.3 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरा था। उधर वांछित के बारे में हम बातें करते हैं। 2015 में शर्मा पहली बार अभिषेक डोगरा की कॉमेडी डॉली की डोली में दिखाई दिए थे और सफल रोमांटिक कॉमेडी किस किस को प्यार करूं कपिल शर्मा की सह अभिनीत इसके बाद आई उनकी वर्ष की अंतिम फिल्म शाहरुख खान, वरुण धवन और काजोल और कृति सनन के साथ थी। रोहित शेट्टी की एक्शन रोमांस दिलवाले मूवी थी, जिसने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़े थे और उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रिलीज मूवी साबित हुई थी। उधर वंचित के बारे में हम बात करें तो इस फीचर ने अधिक कमाई की थी और 4 बिलियन से अधिक की कमाई किया था। यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 53 मिलियन दुनिया भर में भारतीय सिनेमा के सबसे अधिक कमाई करने वालों में से एक के रूप में ये फिल्म उभरा था। वरुण के दिनेश बिजान के साथ ही पुनर्जन्म और साथ ही रोमांस राब्ता के बारे में बातें करते तो 2017 में कृति सनन और साथ ही शर्व गिरी और सुशांत सिंह राजपूत के साथ अभिनय किया था। इसे आलोचकों से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई। उधरन वांछित बाद में 2017 में शर्मा ने साथ ही फुकरे की अगली कड़ी में अभिनय किया था, जिसका शीर्षक जो है यानी कि फुकरे रिटर्न था, जो दुनिया भर में 1 बिलियन की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता फिल्म थी। यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 13 मिलियन की कमाई किया था। 2018 में वो कॉमेडी फ्राइडे में गोविंदा के साथ कुछ समय के लिए दिखाई दिए थे। अब 2019 में शर्मा ने अर्जुन पटियाला में सोनम और साथ ही दिलजीत दोसांझ के दिलजीत दोझान के साथ जो है यानी कि खानदानी और साथ ही उनके साथ जो है सफा खाना में सोनाक्षी सिन्हा और बादशाह के साथ और उनके साथ छिछोरे फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के साथ श्रद्धा कपूर के साथ अभिनय किए थे। 2020 में वरुण को और साथ ही उनके साथ जो है फ्लिपकार्ट वीडियो और फ्लिपकार्ट के साथ ही यानी कि स्वामित्व वाले ओटीटी वीडियो और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कॉमेडी शो सबसे फनी कौन के होस्ट के रूप में इनको देखा गया है। उनकी अगली फिल्म रूही अफजान है, जो हार्दिक मेहता द्वारा निर्देश की गई है और दिनेश बजान द्वारा निर्मित की गई मैडॉक फिल्म के बैनर के तले बनाई गई है, जो राजकुमार राव और जानवी कपूर के सह कलाकार है, जो 2021 में रिलीज होने की उम्मीद है। और रूही मूवी की रिलीज के बाद खबरें तैर रही है और वरुण शर्मा के प्रबंधक और साथ ही स्वर्गीय दिशा जो है यानी कि सलियन के नाम को अंतिम और साथ ही क्रेडिट में श्रेय दिया गया है, क्योंकि दिशा ने रूही मूवी की शूटिंग के दौरान जो है वरुण को प्रबंधित किया है। इस वीडियो में हम रूही मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं। इस फिल्म के जितने भी गाने हैं केतन शुद्धा ने तैयार किए, सचिन जिगर के बैनर के इस मूवीज़ के गाने को तैयार किए गए हैं। दोस्तों, अब हम बातें करेंगे राजकुमार राव सर के बारे में। जो आप लोग को पता है, इन्होंने कई दफ़ा कई बड़ी बड़ी फिल्मों में नज़र आ चुके हैं और इनके बारे में कुछ अनसुनी फैक्ट को इस वीडियो में हम बतलाएंगे, तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। राजकुमार राव आफ्टर द ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली राव द इन लेनेट द एक्टिंग एंड द फिल्म फेयर टेलीविजन द इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड द मूवे टू द मुंबई टू द एन पीरोज हिज फिल्म द करियर ही मेड हिज द एक्टिंग डिब्यूट विद द एन एंथोलॉजी एंड लव सेक्स और धोखा 2010 बट द अर्नेट द कॉमेडिकल सक्सेसफुल विद द सपोर्टिंग रोल इन द गैंग्स ऑफ वासेपुरा पार्ट टू एंड तलाश द एन एंसवर लिज द विथिन बट 2012 एंड क्रिटिकली अक्लाइमेड परफॉर्मेंस इन कई पूछी एंड शाहिद बट 2013 द प्रोवेड टू बी एन ब्रेक थ्रू फ्रॉम हिट द लेटन एंड विन हिम द नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड इन सब्सिक्वेंटली राव द एन एस्टेड इन सक्सेसफुल एंड अक्लाइमेड फिल्म इन इनक्लूडिंग द रोमांटिक कॉमेडीज द क्वीन 2014 द एन बर्ली कीवर भी 2017 एंड हम दो हमारे दो 2021 द एन बी ओ पिक द
द एन अलगारिया 2016, द रोम कोम द एन बार्ली की बर्फी 2000, ब्रेली की बर्फी 2017, द एन एंथोलॉजी लूडो मूवी 2020 एंड सपोर्ट ड्रामा द एन चलांग मूवी 2020। ही द एन जेन रदी द यूनिवर्सल द प्राइज फॉर द एन थ्रिलर द एन ट्रेपर 2016, द एन ब्लैक कॉमेडी एन नॉटन 2017 एंड हिज द एन फर्स्ट इंग्लिश फिल्म द वीर टाइगर मूवी 2021, द ब्लॉकबस्टर हॉरर कॉमेडी स्त्री मूवी 2018 रैंक हिज द एन हाइगेस्ट अर्निंग फिल्म इन द डेट। राजकुमार राव वॉज बोर्न एज द एन राजकुमार यादव ऑन 31 अगस्त 1984 इन प्रेम नगर इन गोरगांव हरियाणा इंडिया। ही हैड टू द एन ऑल्डर द एन सिबलिंग एंड कौसिंग हिज द एन एक्सटेंडेड फैमिली हिज द फादर सत्यप्रकाश यादव वॉज द एन गवर्नमेंट एम्प्लॉई इन द एन हरियाणा एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड मदर कमलेश यादव हिज द एन होम मेकर हिज द एन मदर एंड फादर डेड इन 2016 एंड 2019 द रिस्पेक्टिवली। ही कॉम्प्लीटेड हिज द 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम एन एस एन द एंड सिद्धेश्वर सीनियर सिस पब्लिक स्कूल वेयर हिज द एन पार्टिसिपेटेड इन स्कूल प्ले हिज एन ग्रेजुएट फ्रॉम द एन आत्माराम संतान एंड धर्म कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वेयर ही वॉज द एंड सिमुलेटिव एंड डूक द एंड थिएटर विद द एन कसजिद एंड थिएटर ग्रुप एंड श्री राम एंड सेंटर इन दिल्ली। राव एंड सेट हिज द एंड डिसाइडेड टू द बिकम एन एक्टर आफ्टर एंड सिंग द मनोज वाजपेयी एंड बिग द एन हाइगली इन फिल्म्स बॉय इन परफॉर्मेंस इन 2008 ही द एन अनरोड इन टू ईयर एक्टिंग एंड कोर्स ऑफ द फिल्म टेलीविजन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड FTI पुणे एंड मुंबई टू द एन प्रोड्यूसर फिल्म करियर। Rao is the an vegetarian. He is the an Chinese. He is the an short name to Rao from Yadav in 2014 and also added and extra me and his name and he and cite the an reason for this was Rao और यादव आई कैन यूज द एन इधर ऑफ द एन यूजर नेम एस बॉट आर फैमिली नेम इज एस आफ्टर फॉर डबल एन आई एम द फर्स्ट नेम इज द एन कंस्यूरेंस द ऑफ द मनी एंड मदर सिद एंड बिलेबेस इन नम एंड नम रोकी राव हैड बीन इन द एन रिलेशनशिप विद द एक्ट्रेस द एन पत्र लेखू पॉल इन सिंस 2010 ही द मैरिड हेयर ऑन 15 नवंबर 2021 ही इज द एन एन फॉर्मली एंड ट्रेजिड द एन technology. After the graduating from the NFTI in 2008, Rao spent the next year visiting a studio and meeting the casting director. He made a small and uncredited appearance as the news writer in Ram Gopal Verma 2010 and political and train run movie. After the reading in newspaper the and एट ब्रशमेंट हेट द एंड मेन्शन द डिबाकर एंड डिबाकर बनर्जी वॉज द एंड लुकिंग फॉर द न्यू कमर फॉर हिज द फाउंड द एंड फोटेज द एंड एंथोलॉजी फिल्म लव सेक्स और धोखा 2010 एंड एडिस नॉट फॉर द फिल्म वॉज द एंड सेलेक्टेड द फिल्म द एंड कंसिस्ट ऑफ द थ्री एंड स्टोरीज राव एंड अपेयर्स इन द सेकेंड स्टोरी एंड अपोजिट नेहा चौहान ही प्लेड आदर्श एंड सुपर मेकर एंड सुपर व्यूज हु counts and the an employee into the and sleeping with him so the can and record the act on the and hidden camera and sell to the fit the part he the and had the lose the and 6 kilogram 13 IB in month the film and Rao is performance met with the critical acclaim is the also turned out of the be the performance the box of his collection. After successfully of the debut film producer actor Kapoor and Alfred Rao the and lead role in the film founded in photos horror film in Rangini MMS 2011 he was the and reluctant the entirely to accept it is the and seemed similar to his the and pre voice work but took up the and offer at and casting director and casting director or casting director or team and unholy the instead the and dispatch
पैट एंड अनफोरेबल द एंड क्रिटिकल द रिस्पॉन्स द फिल्म वॉज द बॉक्स ऑफिस सक्सेस ही द नेक्स्ट रिलीज वॉज द एंड बजो ए नंबरी क्राइम थ्रिलर शैतान मूवी 2011 विच ही द प्ले एट द एंड ए स्लिमी पुलिस ऑफिसर राज सेन हु वॉज द क्रिटिकल ऑफ द फिल्म एंड प्राइजेड राव द परफॉर्मेंस बाय द कलिंग हिम द एंड रिलायबली एंड ट्रॉफिक द डायरेक्टर एंड अनुराग केशव हैड द लिकेट राव इज द परफॉर्मेंस एंड लव सेक्स और धोखा एंड कास्ट हिम इन द एंड गैंग्स ऑफ वासेपुरा गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2012 द फ्लो ऑफ टू हिज द क्राइम फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 ही प्लेड द सपोर्टिंग रोल इन द ऑफ एन शमशाद आलम फॉर विच ही द एंड विजिटेड द एन वासेपुर टू द परफेक्ट हिज द एन एक्सेंट एंड करेक्टर द फिल्म एंड वॉज द क्रिटिकल एंड द फाइनेंशियल सक्सेस हिज द एंड सब्सिक्वेंटली रोल वॉज थेट द एन इंडिपेंडेंट एक्टिव एंड लेकनेट हिज इन द एंड बदा ब्रॉड पैन दी एन होस्ट हिस्टोरिकल ड्रामा एन चिटिंग गाउंग 2012 विच वॉज द एंड बेस्ड ऑन द एंड चटागोन एन और मोरी रेड हिज द फाइनल रिलीज ऑफ द ईयर वॉज द एंड रीमा काकती एन सस्पेंस थ्रिलर द तलाश मूवी द एंसर लिस्ट विद इन वेयर ही द प्लेड को एंड द फिल्म स्टारिंग आमिर खान रानी मुखर्जी करीना कपूर एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड सरनाज पटेल हुई द एंड वर्ल्ड वाइड द अर्निंग ऑफ ओवर 1.74 बिलियन एन विशे कन्वर्ट टू द 24 मिलियन इमेजेट द ईयर्स हिट द एंड एगेट द हाइगेस्ट ग्रोसिंग एंड हिंदी फिल्म द राजीव मसनद एंड कॉमेंटेड हिट द जस्ट वन स्कैन राउत इन साउस वाट द एंड गुड एक्टर कैन दी एंड ब्रिंग इफ इन द स्मॉल पार्ट द अभिषेक कपूर एंड सोशल ड्रामा फिल्म एंड कई पूछे 2013 वॉज द एंड राव इज नेक्स्ट नेक्स्ट वेंचर मूवी को स्टारिंग द एन सुशांत सिंह राजपूत अमित सेठ द फिल्म एन बेस्ड ऑन द एन चेतन भगत 2008 एन नोवल द एन मिस्टिक 3 ऑफ माय लाइफ द फिल्म वॉज द रिलीज इन इंडिया ऑन 22 फरवरी 2013 द एंड रिसीव्ड क्रिटिकल एक्लाइमेट विद द प्राइज फॉर द लीड परफॉर्मेंस द एंड शिल्पा जमांगणर ऑफ द एंड डेंस हॉडिटेट राव द स्टोड आउट ऑफ द प्लेट ऑफ द रोल एंड ब्यूटीफुली राव द एंड नोमिनेटेड फॉर द एंड फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर द परफॉर्मेंस इन दिस द फिल्म इन द 2013 राव द एंड अपीयर्ड इन द एंड हंसल मेहता डायरेक्टेड द बायोग्राफिकल ड्रामा शहीद फिल्म वेयर ही प्लेज द टाइटल रोल ऑफ द लेट लुएट शहीद आजमी टू द एंड प्रेपर from the role Rao met Azmi family and spent time with them and understood the and man and personally also studied in Quran and attended the end courtroom to the end understand how lawyer and behave. Rao Sheed was the end emotionally drained the end character was the end challenge in the complex the film and his the performance met with the critical acclaim upon it is the release Anupama Chopra created the film Rao is the end rampant hit the Shahid Mubay his training the end unquicks and control anger but also Ron Chalam the film also box office success Rao the received the National Filmfare Award for Best Actor at the 61st National Filmfare Award and Cremoni the Filmfare Critics Award for Best Actor the film 59th Filmfare Award his other 2013 release was the comedy film Boys to Boys Hin in 2013 Rao played the supporting role of the in many a money polluted the fans the comedy drama Queen the in film hit world primary the Bisin International Film Festival was the release the theatrical in India on 7 March 2014 it is was critical and commercial successful grossing 970 million and USA convert to the 14 million worldwide and Sebal Chatterjee of NDTV noted the Rao and bringing a remarkable the and resistant to the and bear open his the and interpretation of the and disguise and convocation city and a slicker who cannot see the and buying his the noise the same years he the acted in short film entitled Bombay Mirror directed by the Shlok Sharma and along with the Vijay Maurya
ही कोलैबोरेटेड विद दी मेहता ऑन हिज द ड्रामा फिल्म सिटी एंड सिटी लाइट 2014 को स्टारिंग द एन पत्र लेखक पॉल द फिल्म एंड फेल्स द स्टोरी ऑफ पोर फिल्म फैमिली फ्रॉम द राजस्थान ठेट कॉमेस टू मुंबई इन सर्च ऑफ द एंड लाइवलीहुड टू द एंड प्रेपर फॉर द रोल राव द एंड लिविड इन द स्मॉल टाउन A small town of the end Sadri in the Pal the end district of the end Rajasthan from month grow the end most is the end become will the prize of average with the end related the critical prize at the film and Rao his performance Shweta Kaushal of the Hindustan time the end waiting tear the slip is the end if rightly into the role the end prove to the end moderated financial success in 2015 Rao appeared in the supporting role इन दी फिल्म रोमांटिक कॉमेडी डोली की डोली को स्टारिंग द सोनम कपूर एंड अहूजा कपूर पुलकित शर्मा वरुण शर्मा एंड मीट विद दी मिक्सड रिव्यूज एंड ओनली हिन एवरेज द ग्रोसेड एट द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इज फॉलोड वॉस वॉफ द एंड मोहित सूरी डायरेक्टेड एंड रोमांटिक ड्रामा एंड हमारी अधूरी कहानी 2015 वेयर ही प्लेड एंड अबू सैनी एंड हस्बैंड टू दी एंड वसुधा प्रसाद प्लेड बॉय विद्या बालन ही रिटर्नड टू द वर्क विथ मेहता इन दी एंड बायोग्राफिकल एंड drama Alghari based on the end life of and professor and Ramachandra Sairas Manoj and Bhaswai has the lead role and Will Rao play a and journalist with the and try to the end dig of the story Alghari met with the critical acclimate upon it is the release with the end particular and prize for the end Bhaswai and Rao is performance the Sukanya Verma collect Rao the end piece perfect in his the role of the end inquisitive the journalist Rao was the end nominated for Filmfare Award for Best Supporting Actor for his the performance in the film Rao collaborated with the N Vikram Aditya Motwani for his the end directorial and venture the sir and a survival drama and dropped 2016 still a story of the man and trapped in the end apartment without food and water the end electricity for day Rao found the role and Surya to be and one of the most challenging to date he headed to the end loss get in the end means the end remaining in carrot and defeated or defied dated the end through the end course of the film in despite beginning the Avez Rao and made some the skinness for the end first time his the life and Matwan insisted on the end realized the report in primary at the 2016 Mumbai Film Festival and was released the theatrical on 17 March 2017 to the end positive review the Subhas K. Jha and Varun D. Rao and immersed the himself in the end judiciously assembled plot with the end reading the end orthological after will hit the end cases to was the end skill but underlies and co-starring performance Rao won the Filmfare and Critics Award for Best Actor for his the performance in the film. In Rao is the first release in 2017 was the and romantic comedy Behin Hogi Teri with the Shruti Hassan. It is the with an unfavorable and critical response through the critics and praised Rao's performance. He flirted with the another romantic comedy titled the and Braili Ki Barfi directed by the and Ashwini Lubet Tiwari and co-starring Kriti Sanon and Ayushman Khurana the film and Rao's performance met with the highly positive review and Namrata Joshi Varun Rao is the end hot and bring the end house down with the end if the end Jimmy Looney turn and comic timing the end simpering and simulation one minute full of the end swagger the end next role the end cloud have been and become a creature in the end a band a handed of the end ledger actor the film was the end commercial successful and Rao won Filmfare Award for Best Supporting Actor in Amit be in mashhoor kar and block comedy and flick the end Newton was the Rao and next film Lee helps the end role of the end offering the government crack the sand and electrician duty and Naxala and control late town the he escaped director if is the cloud Corey his the performance blink he the sea and continuously make the end character direction is the Mukesh.
अमित मुशरकर ब्लैक कॉमेडी फ्लिक द न्यू टोन वॉज द रोन इस नेक्स्ट फिल्म ही इज प्लेड द रोल ऑफ द एन ऑपरेटिव गवर्नमेंट अ क्रेकर सेंट टू द एन इलेक्शन ड्यूटी एंड नक्सल एंड कंट्रोल टाउन ही आस्केड ही द एन डायरेक्टर इफ क्लाउड एंड कोल्ली हिज हेयर द एन ब्लैंक इज एन कंटिन्यूजली टू मेक द एन करेक्टर द डिस्टेंस एन मसूरकर एग्रीड द फिल्म द एन प्रीमियर इज 67 द एन ब्रेली एन ब्रिलियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड रिलीज इन इंडिया ऑन 22 सितंबर 2017 इन न्यूटन मीट इन क्रिटिकल अक्लाइमेट सी डिड द इन रीजन परफॉर्मेंस द राजीव मसनद कमेंटेड इज द एन हार्ड टू एन स्पार्ट एक्टर फ्रॉम द करेक्टर एंड मनी ऑफ और द आर्टिस्ट एंड क्लाइम टू द एन पैसेटी गिव द रोल एन अर्नेड हिज इन एशिया पैसिफिक एन ए स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर एंड नॉमिनेशन फॉर द फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर ही द ऑल्सो मेड द कैमियो इन अपनिंग द एंड दिनेश बिजन रोवर 2017 ही द हैड टू द अप्लाई द एन प्रोसेटेंस फॉर द एंड 5 to 6 हॉर्स द एन एवरी डे टू एंड लुक लाइक द 324 years old man, the his final and critical release of the year in Shahid movie and Shahid mein jarur aana with the Kriti Kharbanda which met the end Shadi mein jarur aana with Kriti Kharbanda which met the with and mixed critical response he also made his the end digital debut with all the and tabasli and historical and biographer with me and with me series the based on the 2012 and book the India and biggest cover of the and Anju there is the end portrayal the end and nationalist leader the and Subhas Chandra Bose from the enroll Rao the and gained 13 kilogram and 29 eve and the went welfare bill and on Vita Singh of the India Today and felt it was not the and best performance and but because of his the scale and actor in which the and grab your the and attention Rao the and rounded the with Mehta for the in biographical crime for and Omrated with the end part of trial of the role of end terrorist the end Ahmed Omar and Ahmed Omar is sick to the end prepare for the role Rao the watched and several video and documentary and had the end speech by sick to the end gather to load the end hearted and anger the inside the himself he said in the and said he was the end distribute will the shooting the film and because of the character he was the end part to rank and collect easily to end thaugest character he has the played the until the film had is the and world premiere at 2017 in Toronto International Film Festival and was the release in India on 4 May 2018 the film in Rao performance met with the critical acclaim with the ensemble Chatterjee of NDTV calling is the and pace perfect the performance he started next the income in musical comedy Funny Khan 2018 with the Aishwarya Rai Bachchan and Anil Kapoor remake of the 2000 Biligir film the and everybody is the and famous the film was the critical and comical flurry is 3 movie 2018 the Amar Kaushik directed the horror comedy with the next release the based on the end Bangalore and Arbun the legend Kinao and Nalebad the film also starred the end Shraddha Kapoor the film and Rao the performance met with the positive critical feedback Rachit Gupta of the Times of India noted the Rao and Handily the and money series of the comedy horror and the romance with the and great easy it is also the earned him a nomination for the Filmfare award for best actor Istri was the and major and financial success in the same years Rao appeared and Barfi in Tawrij Nurani is love and Sonia which was the about and sixth the trafficking is the final release of 2018 was the and wedding 5 the and ek ladki
लड़की को देखा तो ऐसा लगा। मूवी 2019 द फिल्म अबाउट द क्लोजेड फिल्म अबाउट क्लोजेड द एंड को स्टारिंग सोनम कपूर आहूजा एंड अनिल कपूर जूही चावला। क्रिटिक्स एंड रिसीव्ड द फिल्म द वर मिली फॉर इज द पॉजिटिव परफॉर्मेंस द एंड होम सेक्सुअलिटी हाउएवर इट इज द फेलियर टू विल बी कॉम रिकी ही अप्रेडियड एंड नेक्स्ट विद द कंगना रनौत इन द ब्लैक कॉमेडी जग मेंटल है क्या हिज द परफॉर्मेंस एंड अर्नेड हिम अनोदर फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन नॉमिनेशन हिज द फाइनल एक्टिंग द वेंचर वॉज द एंड मकील मोसिल कॉमेडी फ्लिक मेड इन द चाइना वेस्ट हेयर द प्लेयर द गुजराती एंड बिजनेस मैन हु रिसीव्ड द एंड प्रो पोजल टू मार्केट एंड चाइनीज ओपनीज द इंडिया द फिल्म बेस्ट ऑन द मेकेस द एंड नमेश नोवली एंड ब्रेंडला जोशी मीट विद द मिक्सड क्रिटिकल एंड रिस्पॉन्स अन्ना एम एम द एंड वर्टिकेट हु द एंड क्रिटिकल ऑफ द फिल्म प्रेजेंट राव द बेस्ट हाउ एंड अबाउट द आर राव एंड अ वोमन ईरानी who are the in pleasure to watches even the end midline of hand the end film fared the end moderately will the box office collection. Rajkumar Rao is the first release of 2020 and was the Ramesh Sippy is the romantic comedy and Shimla Mirchi which had the been delight for the several years. It is the meet with the end negative review for the critics and box office. The distractor hit the next acting adventure and Anurag Basu directed the end anthology film Ludo also the featuring an ensemble cast of the Abhishek Bachchan and Aditya Roy Kapoor Sanya Malhotra and Fatima Sana Sheikh and the Pankaj Tripathi was the directly the streamed the end digital one Netflix due to the COVID-19 pandemic. Anupama Chopra called him the one of the end stand out of the film and Varud the 3 is such the end sweetness hit the end lunging of cockroach the also and Allu is one of the an emotional fool but Rajkumar Rao and don't play him for the end. Loki the film also earned his the end nomination for the Filmfare Award for Best Actor the same years. He also the end Rao knitted with the Mehta for the in supporting comedy in Chhalang to play the end her Yanvi in Pacifical Instructor 2 which he the was the end prized opposite the Nusrat Bharucha. It is was the end premiered and Amazon Prime Video in 2021. Rao made his the end Hollywood and debuted with the end Ramin and Baharani with what the end Tiger which was the based on the movie and Ipo Nuam is novel the end Arvind Adiga co starring the Priyanka Chopra and Adarsh Gaurav. The film started the streaming on Netflix on 22 January and met with the and positive critical reception. David Rooney from the Hollywood and Reporter noted the end Rao the end deftly balance is the end Western school girl to the end himself he fared the end minded man with the end unmistakable opera and prevailed the end attitude limited his the end subsequently released was the end horror comedy Ruhi co starring Janvi Kapoor the film and meet with the mixed critical feedback but the end proved to be in box office successful. Collection of January 2021 has the end started shooting with the woman and paid naked from Badhai Do and spiritually in sequel to the 2018 comedy movie drama and Badhai Ho he has the end committed to be in begin work for the Hindi remake of the film 2020 and Telugu thriller hit the end first case Rao the end rounded with the Kriti Sunon and comedy movie drama film Hum Do Hamare Do with the release the and directly on Disney Plus Hotstar on 29 October 2021 and Forbes India featured Rao in the 30 under 30 list of the 2040 and people the
People for the an early and treatment of the an animal peta and listed his the an India and hosted the an Bhagatrani and celebrity in 2017 the same year the an appeared in the Infowars India and celebrity 100 listed the and GQ and magazine listed of the 50 most the an influential young Indian. He is the an in the survey at the an brand the brand ambassador for the an active Max and 7 estate and the food and safety and standard in anthology of the India right government Rao and donated the and undisclosed the amount of money to the NPM courses found the in Maharashtra chief minister is in real life found and Zomato and feeding India to help feed the and female into and because of the COVID-19 pandemic. दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं रूही फिल्म को और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। फ्रेंड अगर आप लोग रूही फिल्म को यूरोप पे देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको यूरोप पे देखने को नहीं मिलता है। इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आई होप कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस मूवी से जुड़े काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। एन मदर सिद एन बिलेव in Nam and Nam Rocky Rao had been in the end relationship with the actress the and Patra Lekhu Paul in since 2010 he the married here on 15 November 2021 he is the and informally and tragic the and technology after the graduating from the and FTI in 2008 Rao the spent the next year visiting a studio and meeting the and casting director and casting director he the made a small the and uncredited the in appearance as the news writer in Ram Gopal Verma 2010 and political and train run movie after the reading in newspaper the and Ed Brushman had the and mentioned the Debakar Banerjee was the and looking for the newcomer for his the found the and footage the and anthology film Love Sex or Dhoka 2010 and addition not for the film was the and selected the film the and consists of the three and stories Rao and appears in the second story and opposite Neha Chauhan he played others and super maker and super views who and the an employee into the and sleeping with him so the can and record the act on the and hidden camera and sell to the fit the part he the and had the lose the and 6 kg 13 IB in month the film and Rao's performance met with the critical acclaim it is the also turned out of the be the performance the box of his collection. After successfully of the debut film producer actor Kapoor and Alfred Rao the and lead role in the film founded in Infodus horror film in Rangini MMS 2011 he was the and reluctant the entirely to accept it is the and seemed similar to his the and pre voice work but took up the and offer at and casting director and casting director or casting director team and unholy the study the and dispatch and unfavorable the and critical the response the film was the box office success hit the next release was the and Bajoe Nambri crime thriller Shaitan movie 2011 which he the played the and a slimy police officer Raj Sen who was the critical of the film and praised Rao the performance by the calling him the and reliably and traffic the director and Anurag Kashyap had the leaked Rao is the performance and Love Sex or Dhoka and cast him in the and Gangs of Wasseypur part 2 2012 the flow up to his the crime film Gangs of Wasseypur part 1 he played the supporting role in the of an Shamshad Alam for which he the and visited the in Wasseypur to the perfect his the and accent and character the film and was the critical and the financial success he the and subsequently role was the an independent active and lacking it his in the end
बदा फ्राड पैन दी एन होस्ट हिस्टोरिकल ड्रामा इन चिटिंग गाउंग 2012 विच वॉज द एंड बेस्ड ऑन दी एंड चटागोन एन और मोरी रेड हिज द फाइनल रिलीज ऑफ द ईयर वॉज द एंड रीमा कैक्टी एन सस्पेंस थ्रिलर द तलाश मूवी द एंसर लिस विद इन वेयर ही द प्लेड को एंड द फिल्म स्टारिंग आमिर खान रानी मुखर्जी करीना कपूर एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड सरनाज पटेल हुड एंड वर्ल्ड वाइड द अर्निंग ऑफ ओवर 1.74 बिलियन एंड विशे कन्वर्ट टू द 24 मिलियन इमेजेड द ईयर्स हिट द एंड एगेट द हाइगेस्ट ग्रोसिंग एंड हिंदी फिल्म द राजीव मसनद एंड कॉमेंटेड हिट द जस्ट वन स्क्रीन राउ इन साउथ वार्ड दी एंड गुड एक्टर कैन दी एंड ब्रिंग इफ इन द स्मॉल पार्ट द अभिषेक कपूर एंड सोशल ड्रामा फिल्म एंड कई पूछे 2013 वॉज द एंड राउ इज नेक्स्ट नेक्स्ट वेंचर मूवी को स्टारिंग द एन सुशांत सिंह राजपूत अमित सेठ द फिल्म एन बेस्ड ऑन द एन चेतन भगत 2008 एंड नोवल द एन मिस्टिक 3 ऑफ माय लाइफ द फिल्म वॉज द रिलीज इन इंडिया ऑन 22 फरवरी 2013 द एंड रिसीव्ड क्रिटिकल एक्लाइमेट विद द प्राइज फॉर द लेट परफॉर्मेंस द एंड शिल्पा जमांगणर ऑफ द एंड डांस हॉडिटेट राव द स्टोर आउट ऑफ द प्लेट ऑफ द रोल एंड ब्यूटीफुली राव द एंड नोमिनेटेड फॉर द एंड फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर द परफॉर्मेंस इन दिस द फिल्म इन द 2013 राव द एंड अपीयर्ड इन द एन हंसल मेहता डायरेक्टेड द बायोग्राफिकल ड्रामा शहीद फिल्म वेयर ही प्लेज द टाइटल रोल ऑफ द लेट लुएट शहीद आजमी टू द एंड प्रेपर from the role Rao met Azmi family and spent time with them and understand the and man and personally also studied in Quran and attended the and courtroom to the and understand how lawyer and behave Rao Sheed was the and emotionally drained the and character was the and challenge in the complex the film and his the performance met with the critical acclaim upon it is the release Anupama Chopra credit the film Rao is the entrepreneur hit the Shahid Mumbai his training the and unquicks and control anger but also Ron Chalam the film also box office success Rao the received the National Filmfare Award for Best Actor at the 61st National Filmfare Award and Cremoni the Filmfare Critics Award for Best Actor the film 59th the Filmfare Award his other 2013 release was the comedy film Boys to Boys Hin in 2013 Rao played the supporting role of the in many a manipulated the fans the comedy drama Queen the in film hit world premiere the Bisin International Film Festival was the release the theatrical in India on 7 March 2014 it was critical and commercial successful grossing 970 million and USA convert to the 14 million worldwide and Sable Chatterjee of NDTV noted the Rao and bringing a remarkable the and resistant to the and bear upon his the and interpretation of the and disguise and convocation city and a slicker who cannot see the and buying his the noise the same years he the acted in short film entitled Bombay Mirror directed by the Shlok Sharma and along with the Vijay Maurya He collaborated with the Mehta on his the drama film City and City Light 2014 co-starring the and Patra Lekha Paul the film and tells the story of poor film family from the Rajasthan state comes to Mumbai in search of the and livelihood to the and prepare for the role Rao the and lived in the small town of the in Sadri in the Pal the in district of the in Rajasthan from month grow the in most cases the and become will the prize of average with the and related the critical prize at the film and Rao his performance Shweta Kaushal of the Hindustan Times the and waiting theater the slip is the and if rightly into the role the and prove to the in moderated financial success in 2015 Rao appeared in the supporting role in the film romantic comedy Dholi Ki Dholi co-starring the Sonam Kapoor and Ahuja
अहुजय कपूर, पुलकित शर्मा, वरुण शर्मा एंड मेट विद द मिक्सड रिव्यूज एंड ओनली हिन ऑफ रिज द ग्रोसेट एट द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इज फॉलोड वॉस वाफ द एन मोहित सूरी डायरेक्टेड एंड रोमांटिक ड्रामा एंड हमारी अधूरी कहानी 2015 वेयर ही प्लेड एंड अबू सैनी एंड हस्बैंड टू दी एंड वसुधा प्रसाद प्लेड बाय विद्या बालन ही रिटर्नड टू द वर्क विद मेहता इन दी एंड बायोग्राफिकल एंड ड्रामा अल घारी बेस्ड ऑन दी इन लाइफ ऑफ एंड प्रोफेसर एंड रामचंद्र सैरास मनोज एंड वाजपेयी हैज द लेड रोल एंड विल राव प्ले अ एंड जर्नलिस्ट विद एंड ट्राई टू द एंड डिग ऑफ द स्टोरी अलघारी मेट विद द क्रिटिकल अक्लाइमेट अपॉन इट इज द रिलीज विद द एंड पार्टिकुलर एंड प्राइज फॉर द एंड वाजपेयी एंड राव इज परफॉर्मेंस द सुकन्या वर्मा कलेट राव द एंड पीच परफेक्ट इन हिज द रोल ऑफ द एंड इन क्विस्ट विद द जर्नलिस्ट राव वॉज द एंड नॉमिनेटेड फॉर फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर हिज द परफॉर्मेंस इन द फिल्म. राव कोलैबोरेटेड विद दी एंड विक्रम आदित्य मटवानी फॉर हिज द एंड डायरेक्टोरियल एंड वेंचर दी सर एंड सर्वाइवल ड्रामा एंड ट्रॉपेड 2016 स्टील स्टोरी ऑफ द मैन एंड ट्रॉपेड इन दी एन अपार्टमेंट विदाउट फूड एंड वाटर द एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर डे राव फाउंड द रोल एंड सूर्या टू बी एन वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजेड टू डेट ही हेडेड टू द एंड लॉस इगेट इन द एंड मेन्स द एंड रिमेनिंग इन केरोट एंड डिफिकल्ट डिफाइड डिटेड द एंड थ्रू द एंड कोर्स ऑफ द फिल्म इन डिस्पैट बिगिनिंग द अवेज राव एंड मेट सोम द स्क्रीनस फॉर द एंड फर्स्ट टाइम हिज द लाइफ एंड मत वन इन साइटेड ऑन द एंड रियलाइज द रिपार्ट इन प्राइमरी एट द 2016 मुंबई फिल्म फेस्टिवल एंड वॉस रिलीज द थिएट्रिकल ऑन 17 मार्च 2017 टू द एंड पॉजिटिव रिव्यू द सुभाष के झा एंड वरुण दी राव एंड इमेज द हिमसेल्फ इन दी एंड जुडी कोसली असेंबल प्लॉट विद दी एंड रेडिन द एंड अर्थू लाइटल आफ्टर विल हिट द एंड कैसे टू वॉच द एन स्किल बट अंडर लाइज एंड को स्टारिंग परफॉर्मेंस राव वन द फिल्म फेयर एंड क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फॉर हिज द परफॉर्मेंस इन द फिल्म. In Rao is the first release in 2017 was the and romantic comedy Behin Hogi Teri with the Shruti Hassan. It is the with an unfavorable and critical response through the critics and praised Rao's performance. He flirted with the another romantic comedy titled the and Braili Ki Barfi directed by the and Ashwini Lubet Tiwari and co-starring Kriti Sanon and Ayushman Khurana. The film and Rao's performance met with the and highly positive review and Namrata Joshi Varut Rao is the and hot and bring the in house down with the end if the end Chimmy Looney Tone and comic timing the in simpering and simulation one minute full of the end swagger the and next role the end Claude have been and become and cree and a creature in the end a band handed of the end laser actor. The film was the end comical successful and Rao won Filmfare Award for best supporting actor in Amit be in Mashurkar and block comedy and flick the end Newton was the Rao and next film Lee helps the end role of the end offering the government crack the sand and electrician duty and Naxala and control laid down the he escaped the director if is the cloud Corey his the performance blink hit the sea and continuously make the end character direction is the Mukesh. अमित मुशरकर ब्लैक कॉमेडी फ्लिक द एंड न्यू टोन वॉज द रोन इज नेक्स्ट फिल्म ही इज प्लेड द रोल ऑफ द एंड ऑपरेट द गवर्नमेंट अ क्रेकर सेंट टू द एन इलेक्शन ड्यूटी एंड नक्सल एंड कंट्रोल टाउन ही आस्केड ही द एंड डायरेक्टर इफ क्लाउड एंड कोल्डली हिज हेयर द एंड ब्लैंक इज एंड कंटिन्यूजली टू मेक द एंड करेक्टर द डिस्टेंस एन मसूरकर एग्रीड द फिल्म द एन प्राइमरी इज 67 द एन ब्रेली एन ब्रिलियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड रिलीज इन इंडिया ऑन 22 सितंबर 2017 एन न्यूटन मीट इन क्रिटिकल अक्लाइमेट सी डिड द एन रीजन परफॉर्मेंस द राजीव मसनद कमेंटेड इज द एन हार्ड टू एन स्पार्ट एक्टर फ्रॉम द करेक्टर एंड मनी ऑफ और द आर्टिस्ट एंड क्लाइम
टू द एन पैसेटी गिव द रोल एंड अर्नेड हिद इन एशिया पैसिफिक एन ए स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर एंड नॉमिनेशन फॉर द फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर ही द ऑल्सो मेड द कैमियो इन अपनी द एंड दिनेश विजन रोबर 2017 ही द हेड टू द अप्लाई द एंड प्रोसेटेंस फॉर द एंड 5 to 6 हॉर्स द एंड एवरी डे टू एंड लुक लाइक द 324 ईयर्स ओल्ड मैन द हिज फाइनल एंड क्रिटिकल रिलीज ऑफ द ईयर एंड शहीद मूवी एंड शहीद में जरूर आना विद द कृति खरबंदा विच मेट द एंड शादी में जरूर आना विद कृति खरबंदा विच मेट द विद एंड मिक्सड क्रिटिकल रिस्पॉन्स ही ऑल्सो मेट हिज द एंड डिजिटल डिब्यूट विद अल द एंड तबाजली एंड हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफा विफ मे एंड वी मी सीरीज द बेस्ड एंड दी एंड बेस्ड ऑन द 2012 एंड बुक द इंडिया एंड बिगेस्ट कवर ऑफ द एंड अंजू धीर हिज द एंड पटोरल द एंड एंड नेशनलिस्ट लीडर द एन सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम द एनरोल राव द एन गैनेट 13 kg एंड 29 इव एंड द वेंट हेल्फेयर बेल एंड अनविता सिंह ऑफ द इंडिया टूडे एंड फेल्ट इट वॉज नॉट द एंड बेस्ट परफॉर्मेंस एंड बट बिकॉज ऑफ हिज द स्केल एंड एक्टर इन विच द एंड ग्रेब यूर द एंड अटेंशन राव द एंड रोनेटेड द विथ मेहता फॉर द इन बायोग्राफिकल क्राइम फॉर एंड ओमरेटेड विद द एन पार्टोरियल ऑफ द रोल ऑफ एंड टेररिस्ट द एन अहमद उमर एन अहमद उमर शहीद सीख टू द एन प्रेपर फॉर द रोल राव द वॉचिड एन सीवरियल वीडियो एंड डॉक्यूमेंट्री एंड हैड द एन स्पीच बाय सीख टू द एन गेडर टू लोड द एन हार्टेड एंड एंगर द इनसाइड द हिमसेल्फ ही इन द एन शेड ही वॉज द एन डिस्ट्रीब्यूट विल द शूटिंग द फिल्म इन बिकॉज ऑफ द करेक्टर ही वॉज द एन to rank and collect easily to end thou guest character he has the played the until the film had Prashant Saw के प्राप्त करता है। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद राव ने भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान में अभिनय सीखा और फिर अपने फिल्मी करियर को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई चले गए। उन्होंने एंथोलॉजी लॉ सेक्स और साथी धोखा फिल्म में सबसे पहले अभिनय किया। 2010 के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की, लेकिन गैंग्स ऑफ वासीपुरा फिल्म भाग टू और साथी तलाश द आंसर फिल्म लाइज विद इन मूवी और दोनों 2012 में सहायक भूमिकाओं में इन्होंने काम किया और साथ ही व्यावसायिक सफलता फिल्म साबित हुई। अर्जित की गई थी अच्छी समीक्षा मिले थे फिल्म को और कई उनके साथ जो कैपो 6 में समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन होने के बावजूद भी और शाहिद उनके साथ जो दोनों फिल्म 2013 में रिलीज हुए थे उनके लिए एक सफलता साबित हुई और पुरवा ने उन्हें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके बाद राजकुमार राव ने रोमांटिक कॉमेडी क्वीन फिल्म में काम किया जिसे 2014 में रिलीज किया गया था। बरेली की बर्फी फिल्म 2017 में रिलीज किया गया था और हमारे दो फिल्म 2021 में रिलीज किया गया है। बायोपिक के साथ ही अलीगढ़ फिल्म 2017 में रिलीज हुए थे, साथ ही रोम काम बरेली की बर्फी फिल्म 2017 में रिलीज हुई। इसी तरह शहीद जो सफल और प्रशंसित फिल्मों में अभिनय किया है और एंथोलॉजी फिल्म लूडो में 2020 में अभिनय किया है और स्पोर्टर ड्रामा फिल्म छलंग में 2020 में अभिनय किए हैं। उन्होंने थ्रिलर फिल्म ट्रेपॉड फिल्म 2016 में अभिनय किया है। ब्लैक कॉमेडी न्यूटन फिल्म 2017 में और उनकी पहली अंग्रेजी फिल्म द हवाई टाइगर फिल्म 2021 के लिए इनको जाना जाता है। 2021 के लिए सर्वभौमिक प्रशंसा प्राप्त की ब्लॉकबास्टर हॉरर कॉमेडी स्त्री फिल्म में इन्होंने काम किया जिसे 2018 में उनकी अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म में ये मूवी शुमार है। राजकुमार राव का जन्म राजकुमार यादव के रूप में हुआ था। इनका राजकुमार यादव ओरिजिनल नेम है लेकिन अपने नाम को इन्होंने चेंज कर लिया है। 31 अगस्त 1984 को इनका जन्म हुआ था प्रेम नगर गुंडवा हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। भारत में ये जगह पड़ता है, भारत में हुआ था, जो कि उनके विस्तारित परिवार में उनके दो बड़े भाई बहन और 3 चचेरे भाई थे और उनके पिता सत्य प्रकाश यादव हरियाणा राजस्व विभाग में एक सरकारी कर्मचारी थे और उनकी माँ कमलेश यादव एक गृहिणी थी।
उनके माता पिता एक मृत्यु क्रमशः 2017 और 2019 में हुई थी। उन्होंने 12वीं की पढ़ाई की है और SN यानी कि सिद्धेश्वर सीनियर सेकेंड यानी कि पब्लिक स्कूल, जहां उन्होंने स्कूली नाटकों में भाग लिया था। उन्होंने आत्माराम और साथ ही स्नातक धर्म कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की है, उपाधि प्राप्त की है, जहाँ वह जो है यानी कि शैक्षिक और साथ ही थिएटर ग्रुप और दिल्ली में श्री राम केंद्र के साथ थिएटर कर रहे थे। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं शादी में जरूर आना फिल्म को, जिसे 10 नवंबर 2017 को रिलीज किया गया था। और इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं रत्ना सिन्हा ने, इस फिल्म के राइटर है कमल पांडे, इस मूवी की प्रोड्यूसर है विनोद बच्चन एंड मंजू बच्चन, इस फिल्म के प्रोड्यूसर है राजकुमार राव ने इस मूवी में अभिनय किया, उनके साथ कीर्ति खरबंदा ने अभिनय किए हैं। फिल्म को 10 नवंबर 2017 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म को काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं। इस मूवी को 130 मिलियन के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने दुनिया भर में 194 मिलियन का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया है। दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों इस वीडियो में हम इस मूवी को हिंदी में रिव्यू कर रहे हैं। आप लोग को पता है मैं जिस फिल्म को रिव्यू करता हूँ उस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में आप लोग को जरूर बतलाता हूँ। इस वीडियो में हम शादी में जरूर आना फिल्म को रिव्यू कर रहे हैं, जिसे 2017 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी इस वीडियो में हम बता रहे हैं। राव सर ने कहा कि उन्होंने मनोज वाजपेयी को देखकर और उनके प्रदर्शन से साथ ही अत्यधिक प्रभावित होने के बाद अभिनेता बनने का फैसला इन्होंने किया। 2008 में उन्होंने भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान यानी कि FT पुणे में 2 साल के अभिनय साथ ही पाठ्यक्रम में दाखिला इन्होंने लिया और फिल्मी करियर बनाने के लिए मुंबई चले गए। अबराव शाहकारी हैं, उन्होंने 2014 में अपना यादव से साथ जो यानी कि बदलकर राव रख लिया और अपने नाम में एक यानी कि अतिरिक्त M भी जोड़ा था। उन्होंने कहा कि इसका कारण यहाँ था और राव या यादव में दोनों में से किसी भी एक यानी कि उपनाम का उपयोग कर सकता हूँ और क्योंकि दोनों परिवार के नाम हैं। जहाँ तक पहले नाम में MM का सवाल है, यह मेरी माँ के लिए है और वह यानी कि अंक शस्त्र में विश्वास करती है। राव 2010 से अभिनेता साथी पत्र लेखा पाल के साथ रिश्ते में थे। उन्होंने 15 नवंबर 2021 को उनसे शादी की। उन्हें औपचारिक रूप से साथी जो है कि टाइक्वांडो में प्रशिक्षित किया जाता है। 2008 में FT से स्नातक होने के बाद राव ने अगले साल स्टूडियो में जाकर कास्टिंग निर्देशकों से मुलाकात की और उन्होंने राम गोपाल वर्मा की 2010 की राजनीतिक थ्रिलर मूवी रन में एक समाचार पाठक के रूप में एक छोटी बिना सिरे की उपस्थिति दर्ज की। उद्धरण वांछित की एक यानी कि अखबार के विज्ञापन में यह भी पता चला था कि पढ़ने के बाद जिसमें जो है उल्लेख किया गया था कि उनके साथ जो है यानी कि दिवाकर बनर्जी अपनी मिली फुटेज और एंथोलॉजी फिल्म लॉस सेक्स और धोखा में 2010 के लिए नए लोगों की तलाश कर रहे थे। उन्होंने फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था और उन्हें चुना गया था। फिल्म में 3 कहानियां हैं जो कि दूसरी कहानी में राव ने जो है नेहा चौहान के साथ दिखाई देते हैं। उन्होंने आदर्श एक यानी कि सुपरमार्केट और पर्यवेक्षक की भूमिका निभाई थी, जो कि एक कर्मचारी को अपने साथ सोने के लिए प्रेरित करता है ताकि वह एक छिपे हुए कैमरे पर जो है कृत्य को रिकॉर्ड कर सके और उसे बेच सके। इसी हिस्से को फीड करने के लिए उन्हें 1 महीने लग गए थे और 6 किलोग्राम 3 पाउंड वजन कम करना पड़ गया था। फिल्म और राव के प्रदर्शन को आलोचकों की प्रशंसा मिली। यह एक लाभदायक बॉक्स ऑफिस पर उद्यम से अधिक की कमाई करने वाला फिल्म था और राव की यह पहली एक्टिंग वाली फिल्म थी। दोस्तों इस वीडियो में हम राव की रियल लाइफ को बतला रहे हैं। अगर आप इनके फैंस हैं, इनके मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। शादी में जरूर आना इस फिल्म की कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। इस फिल्म को 10 नवंबर 2017 में रिलीज किया गया। फिल्म को काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। अबराव ने अपनी पहली फिल्म की सफलता के बाद निर्माता एकता कपूर के साथ राव को मिली फुटेज हॉरर फिल्म रागिनी MMS 2011 में मुख्य भूमिका की पेशकश की गई थी। वह शुरू में इसे स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे क्योंकि यह उनके पिछले काम के समान लग रहा था, लेकिन उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर अतुल मोगिया के आग्रह पर इसी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया क्योंकि
क्योंकि प्रतिकूल आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। उनकी अगली रिलीज मूवी विजयन नाबरिया की क्राइम थ्रिलर शैतान फिल्म थी, जिसे 2011 में रिलीज की गई थी, जिसमें उन्होंने एक यानी कि घिनौनी पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई थी। राजा सेन जो कि फिल्म के आलोचक थे और राव को बहुत ही शानदार उनके साथ जो है कहकर उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की गई थी। निर्देशक अनुराग कश्यप ने लव सेक्स और धोखा में राव के प्रदर्शन को पसंद किया और उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुरा फिल्म भाग टू के लिए 2012 में कास्ट किया, जो कि उनकी अपराध फिल्म और गैंग्स ऑफ वासेपुरा में थी। भाग वन का साथी अनुवर्ती था। उन्होंने साथी जो है यानी कि शमशाद आलम की सहायक भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्होंने अपने उच्चारण और चरित्र को साथी जो है यानी कि परिपूर्ण करने के लिए वासेपुर का दौरा किया था। फिल्म एक महत्वपूर्ण वित्तीय सफलता मूवी थी। उनकी बात की भूमिका साथी जो है यानी कि वेद ब्रता पेन के साथी ऐतिहासिक नाटक और साथी चंट गाँव का था, जिसे 2012 में स्वतंत्र कार्यकर्ता लोकनाथ बल की थी, जो कि उनके साथ जो है यानी कि चटगांव और साथ ही उनके साथ जो सशस्त्र गार्ड छापे पर जो है आधारित थी। वर्ष की उनकी अंतिम रिलीज मूवी रीमा काकती की थी और साथ ही सस्पेंस थ्रिलर तलाश द साथ ही आंसर लाइज विद इन थी, जिसमें जो है उन्होंने एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई थी। आमिर खान इस फिल्म में थे, रानी मुखर्जी इस फिल्म में थी, करीना कपूर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और साथ ही शेरनाज पटेल अभिनीत इस फिल्म ने दुनिया भर में 1.74 बिलियन से अधिक की कमाई की, जो कि 24 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की थी, जो साल की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई थी। साथ ही राजीव बंसल ने टिप्पणी की कि सिर्फ एक दृश्य में राव दिखते हैं और एक अच्छा अभिनेता हैं, एक छोटे से हिस्से में भी क्या यानी कि ला सकते हैं। अभिनेता कपूर की साथी जो है सोशल ड्रामा फिल्म काई पोचे 2013 की राव का अगला उपकरण मूवी था। सुशांत सिंह राजपूत और अमित साध की ये मूवी थी। अमित साध के सह कलाकार यह फिल्म चेतन भगत के 2008 के उपन्यास द थ्री और साथ ही मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ पर आधारित फिल्म है। यह फिल्म भारत में 22 फरवरी 2013 को रिलीज हुई थी और इसे मुख्य अभिनेता के प्रशंसा के साथ आलोचकों की प्रशंसा मिली थी। डेकॉन और साथ ही हेराल्ड की शिल्पा और साथ ही जाम खंडीकर ने महसूस किया कि राव ने खूबसूरती से साथ ही जो है भूमिका निभाई। राव को फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं शादी में जरूर आना। इस फिल्म को इस मूवी को 10 नवंबर 2017 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इस फिल्म को काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे और ये मूवी एक व्यावसायिक सफलता फिल्म है, जिसे 2017 में रिलीज किया गया था। और आज की इस वीडियो में हम इस मूवी को फुल हिंदी में रिव्यू कर रहे हैं। इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सन 2013 में राव हंसल मेहता द्वारा निर्देशित जीवनी नाटक शाहिद में काम किए थे। शहीद फिल्म में दिखाई दिए, जहां उन्होंने दिवंगत वकील शहीद आजमी की शीर्षक भूमिका निभाई थी। इस भूमिका की तैयारी के लिए राव ने आजमी के परिवार से मुलाकात की और उसी व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व को समझने के लिए उनके साथ यानी कि समय बिताया था। उन्होंने कुमार का भी अध्ययन किया था और वकीलों के व्यवहार को समझने के लिए अदालत कक्ष में भाग लिया था। राव ने कहा कि वह जो है भावनात्मक रूप से थका हुआ था, क्योंकि चरित्र और साथ चुनौतीपूर्ण थी और जटिलता फिल्म और उनके प्रदर्शन को रिलीज होने पर आलोचकों की प्रशंसा मिली। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को राव की ट्राइफ कहा और उनके शहीद में ताकत पीरा और उनके साथ जो है नियंत्रित क्रोध है लेकिन वास्तविक आकर्षण भी इस फिल्म में शामिल है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही। राव के 61वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार मिला इस मूवीज के लिए और 59वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला। उनकी अन्य मूवी 2013 की रिलीज कॉमेडी फिल्म बजाय बयाज फिल्म थी और 2013 में राव ने कॉमेडी ड्रामा वकीन क्वीन फिल्म में एक अहम भूमिका निभाई। क्वीन में एक जोड़ तोड़ करने वाले मंगेत की सहायक भूमिका निभाई। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर साथ ही जो है बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और इसे 7 मार्च 2014 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था।
यह एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता फिल्म थी जिसने दुनिया भर में 970 मिलियन से अधिक की कमाई की और यूएसए में कन्वर्ट कर दिया तो 14 मिलियन की कमाई की थी। और एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने कहा कि राव घृणित और साथ ही रूढ़िवादी शहर की अपनी साथ ही व्याख्या को सहन करने के लिए उल्लेखनीय और साथ ही समय लाते हैं जो कि अपनी नाक से परे नहीं देख सकते हैं। उसी वर्ष उन्होंने विजय और साथ ही मौर्य के साथ इस श्लोक शर्मा द्वारा निर्देशित बॉम्बे मिरर नामक एक लघु फिल्म में अभिनय किया। उन्होंने मेहता के साथ उनकी ड्रामा फिल्म सिटी लाइट्स 2014 में सहयोग किया था। पत्र लेखा पाली की सह कलाकार फिल्म जो है राजस्थान के एक गरीब किसान परिवार की कहानी बताती है जो कि उनके साथ जो है अजीबिका तलाश में मुंबई आते हैं और भूमिका की तैयारी के लिए राव एक महीने के लिए राजस्थान के पाली जिले के छोटे शहर शादरी में गए थे। शादरी में रहे थे और मूछें बढ़ाई थी और बोली से अच्छी तरह से वाकिफ हो गए थे और आलोचकों ने फिल्म और राव के प्रदर्शन की प्रशंसा की थी। हिंदुस्तान टाइम्स की श्वेता कौशल ने लिखा है कि वह भूमिका में आसानी से यानी कि फिसल जाते हैं। यह एक माध्यम वित्तीय सफलता मूवी साबित हुई थी। इसी तरह राजकुमार राव अपने करियर में आगे बढ़ते चले गए और इन्होंने अब तक कई सारे फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। इनको राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। दोस्तों इस वीडियो में हम शादी में जरूर आना मूवी को रिव्यू कर रहे हैं। इस फिल्म को 10 नवंबर 2017 को रिलीज किया गया था और आज की इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं। फ्रेंड अगर आप राजकुमार राव के फैन से इनके मूवीज़ को आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक करके हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब 2015 में राव रोमांटिक कॉमेडी डाली की डोली में सहायक भूमिका में दिखाई दिए थे जिसमें सोनम कपूर आहूजा पुल की सम्राट और वरुण शर्मा ने इस फिल्म में अभिनय किया था। इसे जो है मिली जुली समीक्षा मिली थी और बॉक्स ऑफिस पर इसकी औसत कमाई रही थी। इसका अनुसरण मोहित सूरीधारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा हमारी अधूरी कहानी फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी जिसमें जो है उन्होंने साथ ही वसुधा प्रसाद विद्या बालन द्वारा अभिनीत के लिए एक अपमानजनक पति की भूमिका निभाई गई थी। वह जीवनी नाटक और साथ ही अलीगढ़ में मेहता के साथ काम पर लौट आए थे और साथ ही प्रोफेसर रामचंद्र सिरस के जीवन पर आधारित मनोज वाजपेयी की मुख्य भूमिका इस फिल्म में दिखाई गई थी जबकि राव एक पत्रकार की भूमिका निभाते हैं जो कि कहानी को देखने की कोशिश करते हैं और साथ ही वाजपेयी और राव के प्रदर्शन के लिए विशेष रूप से प्रशंसा के साथ जो है अलीगढ़ को इसकी रिहाई पर आलोचकों की प्रशंसा मिली थी। सुकन्या वर्मा ने साथ ही उनके साथ जो है जियासु पत्रकार की भूमिका में राव को पिच और साथ ही परफेक्ट कहा था और राव को फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। राव ने विक्रमादित्य और साथ ही मोटवानी के साथ उनके निर्देशक उद्धम और साथ ही शर्वाइल ड्रामा और साथ ही ट्रेपर 2016 के लिए सहयोग किया था। यह एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी है जो कि अपने अपार्टमेंट में बिना साथ ही भोजन पानी और बिजली के कई दिनों से फंसा हुआ है। राव को शौर्य की भूमिका उनकी अब तक की सबसे साथी चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं में से एक लगी। उन्हें अपना वजन कम करना पड़ा था और इसे उनके साथ जो है बनाए रखने के लिए फिल्मांकन के दौरान गजर और काफी के हकदार बन गए थे। साथ ही शाकाहारी होने के बावजूद राजकुमार राव ने अपने जीवन में पहली बार कुछ दृश्यों में मांस खाया था जैसा कि मोटवानी ने साथ ही यथार्थवाद पर जोर दिया था। 2016 के मुंबई फिल्म समारोह में ट्रेपॉट प्रीमियर और उनके साथ जो है सकारात्मक समीक्षा के लिए 17 मार्च 2017 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। सुभाष केझा ने लिखा है कि राव इतनी यानी कि उज्ज्वल और साथ ही प्रामाणिकता के साथ जो है यानी कि विवेक पूर्ण ढंग से साथ ही जो है यानी कि इकट्ठे हुए थे और भूखंड में खुद को जो है और साथ ही विसर्जित कर देते थे और उनके साथ जो है थोड़ी देर के बाद हम उस यानी कि कौशल को देखना बंद कर देते हैं जो कि उनके साथ जो उत्कृष्ट प्रदर्शन को रेखांकित करता है। राव ने फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड इस मूवीज के लिए इनको मिला था। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं शादी में जरूर आना इस फिल्म को जिसे 10 नवंबर 2017 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म को काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे और ये मूवी एक बेहतरीन व्यावसायिक सफलता फिल्म है जिसे 2017 में रिलीज किया गया था। और आज के इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है
है तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब 2017 में राव की पहली रिलीज मूवी श्रुति हसन के साथ रोमांटिक कॉमेडी बहन होगी तेरी थी। इस फिल्म में इसे जो है प्रतिकूल आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। हालांकि आलोचकों ने राव के प्रदर्शन की प्रशंसा की थी। इसके बाद उन्होंने अविश्वनी अय्यर तिवारी धारा निर्देशित और कृति सनोन और उनके साथ जो आयुष्मान खुराना धारा सह अभिनीत बरेली की बर्फी नामक एक और रोमांटिक कॉमेडी के साथ जो है उनके इसका अनुसरण किया गया था। इस फिल्म को और राव के प्रदर्शन को अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली। साथ ही नम्रता जोशी ने लिखा है कि राव एक यानी कि हूट है और अपने साथ ही गिरगिट मोड और कॉमिक टाइमिंग के साथ जो है घर को नीचे लाते हैं। एक मिनट और साथ ही जो है यानी कि सिंपरिंग और साथ ही सिंपलटन और अगले यानी कि स्वय गौर से भरा हुआ एक ऐसी भूमिका जो कि एक कम अभिनेता के हाथों में एक यानी कि कैरी कैचर बन सकती थी। फिल्म और साथ ही व्यावसायिक रूप से सफल रही और राव ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार इस मूवीज के लिए जीता। राव की अगली फिल्म अमित वी और साथी जो यानी कि मंसूर कर की ब्लैक कॉमेडी फिल्म न्यूटन थी। इसमें वह एक यानी कि ईमानदार सरकारी साथी जो है कलर्स की भूमिका निभाए हैं जिसे एक यानी कि नक्सल और साथी नियंत्रित शहर में चुना गया था। साथ ही ड्यूटी पर भेजा जाता है उन्होंने निर्देशक से पूछताछ की थी क्या वह अपने बालों को कल कर सकते हैं और वह जो है चरित्र को अलग बनाने के लिए लगातार अपनी आंखें और साथ ही झपका सकते हैं। साथ ही उनके साथ जो है मसूर कर और साथ ही सहमत हुए थे। फिल्म का प्रीमियर 67वें पर्लिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुआ था और इसे भारत में 22 सितंबर 2017 को रिलीज किया गया था। राव को प्रदर्शन की तरह जो है न्यू नटन को भी आलोचकों की प्रशंसा मिली। राजीव मंसद ने टिप्पणी की कि अभिनेता को चरित्र से अलग करना कठिन है और हमारे कई कलाकार उस यानी कि उपहार को प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकते हैं। अब इस भूमिका ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एशिया और साथ ही पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड और फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड के लिए नामांकित दिलाया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार उन्होंने साथ ही दिनेश बिजान की हर हफ्ता फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी एक कैमियो भूमिका निभाए थे। उन्होंने 324 वर्षीय साथ ही जो है यानी कि व्यक्तित्व की तरह दिखने के लिए प्रतिदिन 5 से 6 घंटे साथ ही जो यानी कि प्रेस थे ट्यूक्स यानी कि लगाना पड़ता था। वर्ष की उनकी अंतिम रिलीज मूवी नाटकीय रिलीज कृति खरबंदा के साथ शादी में जरूर आना ये मूवी थी जिसकी रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं। इसे मिश्रित आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली। उन्होंने इस फिल्म के लिए आल्ट भालाजी की ऐतिहासिक जीवन वेब मिनी सीरीज बोस डेट यानी कि उनके साझो अलाइव के साथ अपना डिजिटल डेब्यू भी किया था। साथ ही अनुज धर धारा 2012 की साथ ही किताब इंडियाज और साथ ही बिगेस्ट कवर ऑफ के आधार पर वह राष्ट्रवादी नेता सुभाष के चंद्र बोस को चित्रित करते हुए भूमिका के लिए राव ने 13 किलोग्राम 29 पाउंड वजन बढ़ाया था और आधा गंजा हो गए थे। इंडिया टुडे की उनके साथ जो है अनिविता सिंह ने उन्हें जो है महसूस किया कि यह राव का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं था लेकिन एक अभिनेता के रूप में अपने कौशल के कारण उन्होंने आपका ध्यान खींचा था। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं शादी में जरूर आना इस मूवी को और इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। फ्रेंड इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं शादी में जरूर आना इस फिल्म को जिसे 10 नवंबर 2017 में रिलीज़ किया गया था। इस फिल्म को काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे और आज के इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। राव ने जीवनी अपराध फिल्म साथ ही ओमेटा के लिए मेहता के साथ जो है पुनर्मिलन किया था जहाँ उन्होंने आतंकवादी अहमद उमर सईद शेख की भूमिका निभाई थी। भूमिका की तैयारी के लिए राव ने शेख के कई वीडियो और साथ ही वृत्तचित्र और अभद्र भाषाएं देखी थी ताकि अपने अंदर बहुत नफरत और गुस्सा इकट्ठा किया जा सके। उन्होंने कहा कि वह फिल्म की शूटिंग के दौरान परेशान थे क्योंकि उनके द्वारा निभाए जा रहे चरित्र के कारण उन्होंने इसे सबसे कठिन चरित्र कहा था जिसे उन्होंने अब तक की निभाई गई फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर
2017 की, साथ ही जो है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और इसे 4 मई 2018 को भारत में रिलीज किया गया था। फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी, लोगों ने इस फिल्म को काफ़ी पसंद किया था। फिल्म और राव के प्रदर्शन को आलोचकों की प्रशंसा मिली और NDTV के सेवल चटर्जी ने इसे पिच परफेक्ट परफॉर्मेंस कहा था। उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन और अनिल कपूर के साथ संगीत में कॉमेडी फड़ने खा 2018 में अभिनय किया था। 2000 की दशक की और साथ ही उनके साथ जो है बेल्जियन फिल्म एवरीबडीज एंड फेमस की रीमेक यह फिल्म जो है आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से विफल रही थी और स्त्री फिल्म 2018 की अमर कौशिक द्वारा निर्देशित हॉरर कॉमेडी उनकी अगली रिलीज मूवी थी। नालेबा के नाम से जानी जाने वाली मूवी बैंगलोर शहरी और साथ ही किवन दत्ती के आधार पर फिल्म में श्रद्धा कपूर भी इस मूवी में थी। फिल्म और राव के प्रदर्शन को सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया के रचित गुप्ता ने कहा कि राव कॉमेडी हॉरर और साथ ही रोमांस के कई रंगों को बड़ी यानी कि आसानी से संभाल लेते हैं। इसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म पर पुरस्कार के लिए नामांकित किया था और स्त्री मूवी एक बड़ी वित्तीय सफलता फिल्म थी। उसी वर्ष राव कुछ समय के लिए साथ ही तबरेज नूरानी के साथ जो है लॉ और साथ ही सोनिया में दिखाई दिए थे, जो यौन और साथ ही तस्करी के बारे में फिल्म थी। उनकी 2018 की अंतिम रिलीज मूवी 5 यानी कि वेडिंग्स मूवी थी। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं राजकुमार राव की फिल्म को। इस फिल्म का नाम है शादी में जरूर आना। इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट कुछ वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। शादी में जरूर आना इस फिल्म को 10 नवंबर 2017 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म को काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे, लोगों ने इस मूवी को काफ़ी सराहा था और ये मूवी अपनी जगह पे हिट फिल्म साबित हुई थी और ये मूवी एक व्यावसायिक सफलता फिल्म है। दोस्तों ये मूवी अभी भी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है और इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को रिव्यू कर रहे हैं। आप लोग को पता है मैं जिस फिल्म को रिव्यू करता हूँ उस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में जरूर बतलाता हूँ। अभी हम बातें कर रहे हैं राजकुमार राव सर के बारे में। अब 2018 की रिलीज इनकी मूवी 5 शादियां मूवी थी। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा इस गाने को 2009 में शूट किया गया था। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जो 2019 की एक यानी कि क्लोजर और साथ ही सेल बियन के बारे में एक फिल्म राव की 2019 की पहली फिल्म थी। सोनम कपूर के साथ अहूजा अनिल कपूर और जूही चावला की सह अभिनय समीक्षकों ने साथ ही समलैंगिकता के सकारात्मक प्रतिनिधित्व के लिए फिल्म को साथ ही गर्म जोशी से प्राप्त किया था। हालांकि यह फिल्म व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही थी। वह कंगना रनौत के साथ जो है उनके साथ ब्लैक कॉमेडी जजमेंटल है क्या मैं दिखाई दिए थे। उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नामांकन के लिए एक और फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिलाया था। उनका अंतिम अभिनय उद्यम जो है साथ ही जो है उनके साथ मिखिल और साथ ही मुसाल के कॉमेडी फिल्म मेड इन उनके साथ जो है चाइना थी, जिसमें जो है उन्होंने एक गुजराती व्यवसायी की भूमिका निभाई जिसे भारत में एक चीनी साथ ही जो है कमोत जिक्का उनके साथ जो है विपणन करने का प्रस्ताव मिला था। परिंदा जोशी के नामक उपन्यास पर आधारित फिल्म को मिश्रित आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली। अन्ना MM और साथ ही विटी कॉर्ड ने जो कि फिल्म की आलोचना कर रहे थे राव की प्रशंसा की। इसमें जो है सबसे अच्छी बात ये थी कि राव और साथ ही बोमन ईरानी है जिन्हें जो है इसी बीच के मामले में भी देखना अच्छा लगता है। बॉक्स ऑफिस पे मूवी एक व्यावसायिक सफलता फिल्म थी और ये फिल्म एक अच्छी कमाई करने वाली मूवी साबित हुई थी। अब राव की 2020 की पहली रिलीज मूवी रमेश छिपी की रोमांटिक कॉमेडी साथ ही जो है शिमला मिर्ची मूवी थी, जो कि कई वर्षों से विलंबित थी और इसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर एक अपराधी फिल्म थी। उनका अगला अभिनय उद्यम और साथ ही अनुराग बासु द्वारा निर्देशित एंथोलॉजी फिल्म थी। लूडो में अभिषेक बच्चन के साथ आदित्य रॉय कपूर के साथ और साथ ही सान्या मल्होत्रा फातिमा सना शेख और पंकज त्रिपाठी के कलाकारों की टुकड़ी इस मूवी में शामिल थी, जिसे कोविड 19 महामारी के कारण सीधे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था।
नेटफ्लिक्स पर जो है डिजिटल रूप से स्ट्रीमिंग किया गया था। अनुपमा चोपड़ा ने उन्हें फिल्म के साथी स्टैंडर्ड आउट में से एक कहा और लिखा, उनकी लालसा में ऐसी और साथी मिठास है जो कि बेशक अल्लू एक यानी कि भावनात्मक मूर्ख है, लेकिन राजकुमार उसे जो है हंसी के लिए नहीं निभाते हैं। फिल्म भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उसी वर्ष उन्होंने हरिवानवी और साथी शारीरिक प्रशिक्षण के लिए भूमिका निभा के लिए साजो एक खेल कॉमेडी छलांग के लिए मेहता के साथ फिर से काम किया था, जिसमें उन्हें जो है उनके साथ नुसरत भरूचा के साथ इस फिल्म में अभिनय किए थे। उनको इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और फिल्म फेयर से नामांकित किया गया था। उसी वर्ष उन्होंने हरिवानवी शारीरिक प्रशिक्षण की भूमिका निभाने के लिए खेल कॉमेडी छलांग फिल्म के लिए मेहता के साथ फिर से काम किया, जिसमें उन्हें जो है उनके साथ नुसरत भरूचा के साथ जोड़ा गया था। इसका प्रीमियर अमेजन प्राइम वीडियो पर किया गया था। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं शादी में जरूर आना इस मूवी को, जिसे 2017 में रिलीज़ किया गया था। दोस्तों ये फिल्म अभी भी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट को बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। सो फ्रेंड अभी हम बातें कर रहे हैं राजकुमार सर की रियल लाइफ के बारे में, जिन्होंने इस फिल्म में मेन अहम भूमिकाएँ निभाई है और इनकी ये मूवी है। इस फिल्म को 2017 में रिलीज़ किया गया था सिनेमाघरों में। इस फिल्म को काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे और ये एक व्यावसायिक सफलता फिल्म थी। अब 2021 में राव सर ने रामीन साथी बहरानी की द वाहिट टाइगर के साथ हॉलीवुड फिल्म की शुरुआत की, जो कि उनके साथ अरविंद राव अडिगा के साथ इसी नाम के उपन्यास पर आधारित मूवी थी। प्रियंका चोपड़ा के साथ और आदर्श गौरव की सह कलाकार की फिल्म में 22 जनवरी को ये मूवी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू की गई और सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत के साथ मिला था। द हॉलीवुड रिपोर्टर के डेविड रोनी ने उल्लेख किया है कि राव खुद को यह बताने के लिए एक यानी कि पश्चिमी स्कूली आग्रह को साथी चतुराई से संतुलित करते हैं कि वह एक यानी कि निष्पक्ष व्यक्ति हैं जिसके पास जो है यानी कि विशेष अधिकारी प्राप्त अधिकारी की अचूक हवा है। उनकी बात की रिलीज मूवी हॉरर कॉमेडी रूही फिल्म थी। सह अभिनीत मूवी थी। साथी जानवी कपूर फिल्म को मिश्रित आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल मूवी साबित हुई थी। अब जनवरी 2021 तक उन्होंने बधाई दो के लिए भूमि पेडनेकर के साथ शूटिंग शुरू कर दी है, जो 2018 की कॉमेडी ड्रामा बधाई हो की आध्यात्मिक अगली कड़ी है। उन्होंने 2020 की तेलुगु थ्रिलर हिट द फर्स्ट केस के हिंदी रीमेक के लिए काम शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है। राजकुमार राव ने कॉमेडी ड्रामा फिल्म हम दो हमारे दो में कृति सनोन के साथ फिर से काम किया, जो कि सीधे डिज्नी प्लस और स्टार पे 29 अक्टूबर 2021 को रिलीज हुई थी और साथ ही सार्वजनिक छवि उनके साथ जो है संपादित करे। फोर्बर्स इंडिया ने राव को 2014 की 30 अंडर 30 सूची में शामिल किया और साथ ही पीपुल फॉर द एथिकल साथ ही ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल्स पेटा ने उन्हें 2017 में भारत के सबसे हॉट और साथ ही वेजिटेरियन सेलिब्रिटी के रूप में सूचीबद्ध किया था। उसी वर्ष वह फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में और साथ ही GQ पत्रिका की 50 सबसे प्रभावशाली युवा भारतीय की सूची में शामिल हुए थे। उन्होंने साथ ही एक्टी मैक्स और साथ ही सेवेंथ स्ट्रीट और भारतीय खाक और साथ ही सुरक्षा और उनके साथ जो है मानक प्राधिकरण के ईट और साथ ही राइट मोमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको लिया गया था। राव ने भारत में कोविड-19 महामारी के कारण साथ ही उनके साथ जो है ज़रूरतमंद परिवारों को खिलाने में मदद करने के लिए PM क्रेज फंड और साथ ही कोविड-19 महामारी के कारण ज़रूरतमंद परिवारों को खिलाने में मदद किए थे। क्रेज फंड और साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राहत कोष को जो है यानी कि जो माटो के फीडिंग इंडिया को एक अज्ञात राशि का दान दिया गया था। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं शादी में जरूर आना इस फिल्म को और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं और इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट को भी इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। फ्रेंड ये तो आप लोग को पता है इस मूवी को 2017
2017 में 10 नवंबर को रिलीज़ किया गया था। इस फिल्म को काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे। फिल्म ने दुनिया भर में 194 मिलियन से अधिक की कमाई किया है। इस फिल्म को 130 मिलियन के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने अपने बजट को रिकवर किया और अपने कमाई से ज़्यादा इस फिल्म ने कमाई किया है और ये मूवी एक बेहतरीन सुपरहिट फिल्म साबित हुई है। इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं रत्ना सिन्हा ने और इस फिल्म की कहानी लिखे है कमल पांडे सर ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं विनोद बच्चन एंड मंजू बच्चन ने मिलकर और राजकुमार राव के साथ कृतिक हरवंडा इस फिल्म में अहम भूमिका निभाई है। आज की इस वीडियो में हम इस मूवी को हिंदी फिल्म को 2021 में रिलीज़ किया गया था। इस फिल्म को काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे। आज की इस वीडियो में हम रूही मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किए हार्दिक मेहता सर और इस फिल्म की कहानी को लिखे गौतम मेहरा सर ने। दोस्तों इस फिल्म में स्टार कास्ट है राजकुमार राव, वरुण शर्मा एंड जानवी कपूर, जिनके बारे में आप लोग को बतला चुका हूँ। अब इस फिल्म को यहाँ से इंग्लिश में रिव्यू करेंगे। दोस्तों इस फिल्म के जितने भी गाने सचिन जिगर ने तैयार किए हैं मुडाक फिल्म के बैनर के तहत, NGO स्टूडियोज के बैनर के तहत इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म को 20 करोड़ के बजट में बनाया गया था और ये मूवी दुनिया भर में 30.33 करोड़ से अधिक की कमाई किया है। आज के इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़ी काफी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं। इस फिल्म को 2021 में रिलीज किया गया था और ये एक सुपरहिट फिल्म है जिसकी रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग को पता है ये एक भूतिया फिल्म है और 2021 में इस मूवी को रिलीज किया गया था। ये एक बेहतरीन फिल्म है जिसकी वीडियो में हम इसके बारे में काफी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। रूही मूवी इज द 2021 इंडियन लैंग्वेज एंड इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी हॉरर मूवी डायरेक्टेड हार्दिक मेहता एंड प्रोड्यूसर बाय दिनेश बिजन अंडर द बैनर मुडाक फिल्म दी इन फिल्म द सेकेंड एंड इंस्टॉलमेंट इन द डिज्नी विजन हॉरर कॉमेडी एंड अनी वर्सेस द फिल्म एंड फ्रॉस एंड बिगिन स्टोरी एंड सो दी इन फ्लोड बाय द एंड इन भेड़िया मूवी ए स्टोरी ऑफ द घोस्ट विद द एंड डायरेक्टेड एंड ब्राइडेड ऑन द एंड हनीमून द फिल्म स्टार राजकुमार राव एंड जानवी कपूर एंड वरुण शर्मा। इट इज वॉज द एंड announced on 29 March 2019 at the filming and kicked off on 14 June 2019 in Agra. The film was set to the release in June 2020 about COVID-19 pandemic in the India and इंटरप्रोटेड द प्रोडक्शन। द फिल्म वॉज द थिएट्रिकल रिलीज इन इंडिया ऑन 11 मार्च 2021। द फिल्म रिसीव्ड द मिक्सड टू द एंड नेगेटिव रिव्यू फ्रॉम द क्रिटिक्स फॉर द एंड कन्वोलेटेड प्लॉट द एंड पब्लिक क्वेश्चन लाइक द इंडिया एक्सप्रेस नेम इट इज द वन ऑफ द वर्ल्ड हिंदी फ्लॉप्स ऑफ 2021। द मूवी भावरा पांडे एंड केतन कुरैशी आर फ्रॉम इज द व्लॉग कॉलेट द एंड भगतपुर वेयर इज द एंड कमिस्ट्री फ्रॉम द एंड गर्ल टू बी एंड किडनेपेड अगेन हेयर विल बी द एंड गाइस विद द एंड विशेष टू द मैरी हेयर द एंड टेस्केट बाय द एंड हेयर बोस एंड किडनेपेड एंड गैंग एंड लीडर द एंड गुनिया हिट द एंड किडनेपेड रूही हिज द पार्ट ऑफ कौन एंड कॉन्ट्रैक्ट बॉय हिज द गाय विद द एंड विशेष टू द मैरी हेयर द हाउएवर डेड इन द एंड फैमिली ऑफ द एंड ग्रूम फोक्स द थीम कीप हेयर द हिडिंग इन द एन अभंडुड एंड वॉट वुड सॉप द एंड मैरिज कैंडी टेकेज द प्लेस आफ्टर द एंड फाइनल डूरिंग द थेयर स्टे इन भावरा रियल लाइज थेट रूही एंड एक्चुअली इन अ पोसी एंड पोसेस बॉय हिज द एंड डोमेस्टिक द एंड ऑपरेटेड विद द एंड क्लो ब्रेस्टेड एंड क्रो बेटेड बॉय हेयर द फादर एंड रूही वॉज द एंड एक्चुअली एंड सोपजेड बॉय द एंड मैरिड अ ईयर इन अगो बट एंड ग्रूम एंड फैमिली इन फ्लेड आफ्टर द सींग सी वाद एंड पोसेड एंड पोसेस इन भौरा फेस फॉर रूही एंड द एंड कोकेस द एंड स्प्राइट फ्रॉम हेयर एंड बॉडी इन कटन एंड कटानी वन ऑफ द ओदर हिज द एंड इज मिटेन बॉय द एंड एंड डीमियो एंड स्प्राइट हु द एंड आईडी टिफेंटी एंड हेयर सेल्फ हिज द एंड ऑफ द एंड एंड ट्राई टू द एंड ब्राइट ऑफ द एंड फॉरवर्ड द इंस्टीट्यूट ऑफ द रूही मूवी शो थेट ही द कैंटेल टू द डे एल नॉट हेट द एंड डीमियो एंड डीमोन इज द एंड मधा एंड मधिया परी एंड वॉच द एंड बैकवर्ड द टोर्नेड फेट इन द सी विल नो द एंड लिविड द एंड अनलिसिट टी द एंड मैरिज ऑल्सो विद द एंड गर्ल्स टी द एंड पैसिंग द एंड गुनिया भाई एंड
कुनिया भाई फेनिंग दी एंड पुलिस द इन्वेस्टिगेशन ए बिहिन द रूही एंड किडनेपिंग इंट्रोडक्शन हिज द फिल्म द एंड बेंडोर ही द बॉट एंड रिफ्यूज द एंड फोर्सिंग हिम टू द एंसेंट एंड ही हेंचो टू एंड गेट जॉब इज द मूवी। भौरा फाइंड ऑन आउट द फ्रॉम द ओल्ड वोमेन थेट द एंड मधेपुरी हैज द बी एंड टेकेट द इंडो द एंड मरंग मेहंदी हुई द एंड ऑलरेडी मैरिड विद द एंड मेकेस हेयर डू एंड मी स्टडी द एंड फोर्सेस हेयर लव टू एंड लव द एंड बॉडी सी द एंड पोसिंग द एंड ओल्ड वोमेन है एट द बीन एंड पोसेस्ड बिफोर बॉय द एंड सेम वॉच द सेम विच एंड द एंड एक्सोर्सेट द एंड स्प्राइट बॉट नो द बिफोर द एंड एनर्जेट द स्प्रे spreaded the colored for the end exposed the husband the end hand come and the end attacked the of the one is the end murdered and other the end injured so the end bhora rohi and khaten love for the vlog the colored and chimotrapur where the end bhora and marries is the dog from hiddi and track the end was in however the vlog and cost and him for the end breaking with the end tear the end screwed the vlog and gunia bhai and arrived to the end revenge but the realized that the end of the has to the get married in the lesser the end day against the two and rebuild hit the end reputation and gunia bhai tells the end of the sick and married the end guy who had the given to end contact to the mary ruhi and bhaura and khaten arrived the end wedding the khatani and decorated in the bhaura and wedding are trapped the end configuration of the to marry him the end interpreted by the old lady who enters of the end marriage is defaulted and a fraud swinging here the end video of the dog and wedding she get the end confused the thing and bhaura is the end groom and attack the end mistake him the end katan is the end under the of the and comment is the bhaura to the and marry him but the and a stupid boy ruhi and ruhi then the and decided to the marry of the and herself the and totally the and am breaking the and stringing the of the and had given her the and reader then the and treat here is the and in and name in ruhi of the and ruhi of the accept the and other with the and leave bhaura and khatani and katani behind with the and police arrived with the ruhi father the are the and told by the an old woman that ruhi has the run away and with the herself but old woman the and distress and indicating that the and might have been and helped the of the all the along she and herself hemmed the marriage and madhepuri and the posted the film was the initially planned for the release on 20 March 2020 but the makers later the announcement 17 April new release date however it is the was in the of a was in the future is postponed to the 5 June on 17 February on 5 February 2021 the title of the film was the changed to Ruhi from Ruhi and Afzan and what is the end release in the India 11 March 2021 Ruhi movie received mixed to the negative review from the critics and the and Rotten Tomatoes is the and approval rating of the 10 based on the and review from the 10 critics Times of the India gave it the rating of 3.5 star out of the and said Ruhi is the and entertaining blend of the in love and the thrill and and thrill is Hollywood Hangama and give it the rating of 2.5 star out of the 5 star world and despite the and disappointing and climax Ruhi movie and restate on the and unique the and concept find the performance and interesting the funny and horror movie sequence homage Pawan of the and Koi Mui give the films a rating of 2.5 star and the started Ruhi movie has the end moment but the end very few to the end level label this as the entertaining and product the end over all the and acting and department sing and the and other the remain to be in between from the bad on the end murder and good the end Monica Rawal the Mukherjee of the Hindustan Times of the end described the Ruhi movie in unchivalry filmsy and Prajit Rao Sharma and sequence of the movie moved to and criticized in Kapoor by
बाय द कलिंग हेयर द परफॉर्मेंस एंड अवरेज द एंड सेबल चटर्जी ऑफ द NDTV गिव द फिल्म रेटिंग ऑफ 2.5 स्टार एन स्टेटेड द फिल्म सिक टू द एन सुपलोडी एंड जेनरल द एन कॉन्फ्यूनिकेशन द वेंचर इन टू द एंड ट्रेन ऑफ द एन फेमिस्ट एंड रिब्लियन द एंड नंदिनी एन रामानाथ ऑफ द एस क्रोल स्टेट द एन रूही इज द हॉरर कॉमेडी मूवी विच हैज द सेम एन स्प्रेडेड बट नो स्वल रू हिट मूवी फर्स ऑफ CNN IBN वरुड द एन वेटेड बाय द एन मरग दीप सिंह लामा एंड गौतम मेहरा रूही मूवी एंड टोटल अबाउट द एन एस्पोटली हैड द एन सोल्डिंग द बिगनिंग द थाउ ऑफ द बट राहू एन शर्मा आर हेड द थ्रीम इन फेवरेट जून द एंड थेयर बैक एंड फॉर द एंड पॉचलेस एवं द लंचेड इन शुभ्रा गुप्ता ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस गिव रूही मूवी अ रेटिंग ऑफ 1.5 स्टार एन कलेट एन प्लेन द एन ब्रीफिल एन हॉरिबल मूवी सी द एन फ्यूचर स्टार्टेड रूही मूवी एन मिसिंग द एंड कोहेरिन प्लॉट इन दी वेटिंग ऑल वी गेट द एंड वन ऑफ द एनकरिंग इन दी एंड इन डू किसिन द एन सीक्वेंस आफ्टर द नेक्स्ट द एंड राइट द एन ए लेस इंटरन अदर्स रेटेड द एंड फिल्म 2.5 स्टार कलेक्ट इन दी एंड डिसअपोर्टिंग फ्यूचर हेड दिस शर्ट एंड न्यू हेयर द एंड क्लोज टू द एन स्त्री एन वेक द एंड स्क्रीन वेटिंग वर्क इन द एंड बस द एंड सुपरेट ऑन दी एंड नो थियर द एंड सेकंड हेयर से प्लस द एन क्लाइमेक्स द एंड लोकेट द इम्पैक्ट बट विज द एंड परफॉर्मेंस द एंड परफॉर्मेंस ऑफ द लेट कास्ट द अनुपमा चोपड़ा फिल्म द एंड कॉम्पेनियन वरुण द फिल्म वार एंड फिल्म वार डू एंड जुगली एंड मैंस हेल्ड द हॉरर कॉमेडी एन फैन एन अ फैनिश द एन मिसिंग लव एन ट्रेंगल एन ब्रो मीन्स बॉट एंड दी एन ड्रोपिंग द ऑलमोस्ट ऑल द फिल्म थीम द अन्ना एमएम द एन वेटेक एट द फर्स्ट पुश गिव द फिल्म एन रेटिंग वन 1.5 स्टार वरुड द एन रूही मूवी इज द हॉरर कॉमेडी एन थेट द एन डेड वन ऑफ द एन अरेबल द डिस्पाइट द एन अस्पोर्टिंग द एन होमर एन फैनिश द एन अस्पिरेशन ऑफ दिसी प्रे प्रेजिट राव एंड शर्मा for the end comic timing but the increase एन क्रिटिक वाइज विद दी एन वेटर दी एन ओवरऑल प्लॉट ऑफ द फिल्म एंड कपूर परफॉर्मेंस बाय द एन स्टार्टिंग दी एन क्राउड हैव बीन कास्ट एन अनदर एक्टर इन दी हेयर प्लेस इट इज द एंड वर्ल्ड नॉट हैव बीन मेडर हैंड इंच ऑफ हेयर द एंड डिफरेंस टू फिल्म दी एंड फ्यूचर स्टारिंग द एंड नथिंग बेटर द एन इंडिकेटेड रूही मूवी एंड लक ऑफ द एन कॉमेम एंड कॉमी एंड कमेटमेंट टू हिज द इन्फा एट द फेमिनिस्ट द एंड कुलेश द एन अरिवल ऑफ द एन फीमेल स्टार द नम्रता जोशी ऑफ द नेशनल एन हरल इंडिया कॉम एन कॉम्पिटेटर रूही विद द स्त्री एंड स्टेट विल द स्त्री एंड डिस्पाइट द एंड फ्लॉप एंड एंड इंस्क्रिप्शन वॉज द कॉन एन इमी एन इमीनेटली वॉचेड द रूही इज द एन अनब्रेबल टू कोट द एन थ्री आर द एन अब्सोल्युटली नो जम्प फ्रॉम द सीट मोमेंट नो एंड चिलिंग डाउन द एन स्पिन एंड एनिस्ट टू द एन जस्टिफाइड द एन हॉरर साइड ऑफ द एन एस फ्रॉम द कॉमेडी एंड कंसर्नेट थेयर इज द आर ब्रेडली एंड वेटिंग गैस इन द एन अरेवमेंट इज द ओनली लैम द एन एस लैपेस्ट एंड द एंड जुकेस्टेड द एन फ्लर्ट एंड रक्तिम राजपाल फ्रॉम द एंड डिसेंट द हॉरिबल कलर कलेट द रूही मूवी इज द बिग एंड दिस मोमेंट द हिज द एंड ब्लॉकली इन दिस शर्मा एंड परफॉर्मेंस बट द क्रिटिक्स एंड क्रिटिसिड कपूर एंड स्टैंड द कपूर फैले टू द मेक एन इम्पैक्ट द एन शो एंड सुश्री साहू ऑफ द एन मुसिबल इंडिया प्रेजेंट राहो एंड राहो एंड शर्मा बट द क्रिटाइज कपूर एंड एंड डायरेक्टर ऑफ द एन मूवी द स्टार्टिंग कपूर एंड सिंपली ए न्यू वॉचेबल विद द फिल्म परफॉर्मेंस विदाउट एनी एंड साउंड बाय द हार्दिक मेहता रूही मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन द 3.6 करोड़ द एंड डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस वन ऑफ द इन ओपनिंग डे द सेकेंड डे द एंड कलेक्शन एंड डिक्लाइन टू द 2.25 करोड़ एंड पॉकिंग ऑफ द कलेक्टेड द 3.42 करोड़ वन ऑफ द थर्ड डे एंड
इस वीडियो में हम रूही फिल्म को रिव्यू कर रहे हैं। इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। रूही फिल्म को 2021 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म को अच्छे रिस्पांस मिले थे। यह मूवी भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो कि हार्दिक मेहता द्वारा निर्देशित की गई और दिनेश बजमी द्वारा मैडॉक फिल्म के बैनर के तले निर्मित की गई है। इस फिल्म में दिनेश बिजान की हॉरर कॉमेडी ब्रह्मांड में दूसरी किस्त है। पहली स्त्री मूवी है और इसके बाद भेड़िया है। यह एक भूत की कहानी बताती है जो कि हनीमून पर दुल्हनों का अपहरण कर लिया जाता है। फिल्म में राजकुमार राव है और जानवी कपूर है और अरुण शर्मा इस फिल्म में अहम किरदार को निभाए है। इसकी घोषणा 29 मार्च 2019 को की गई थी और फिल्मांकन 14 जून 2019 को आगरा में शुरू हुआ था। फिल्म जून 2020 में रिलीज होने वाली थी लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन को रोक दिया गया था और बाधित कर दिया गया। यह फिल्म नाटकीय रूप से भारत में 11 मार्च 2021 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म को इसके जटिल और साथ कथा न के लिए समीक्षकों से मिली जुली से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली हुई है। द इंडियन एक्सप्रेस जैसे यानी कि उनके साथ जो है प्रकाशनों ने इसे 2021 की अब तक की सबसे खराब हिंदी फिल्मों में से एक बताया है और फिल्म को शुरू में 20 मार्च 2021 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी लेकिन निर्माताओं ने बाद में 17 अप्रैल को नई रिलीज की तारीख घोषित की थी। हालांकि इसे भी आगे बढ़ाकर 17 फरवरी को जून में कर दिया गया था और फाइनली फरवरी 2021 को फिल्म मांकन का शीर्षक जो है बदलकर रूही अफजाना से रूही कर दिया गया और इसे 11 मार्च 2021 को भारत में रिलीज किया गया। इस फिल्म को अच्छे रिस्पांस मिले थे और मूवी अपने बजट को रिकवर किया है। रूही फिल्म को आलोचकों से मिली जुली से लेकर नकारात्मक समीक्षा मिली। रतन टोमेटोज पर इसे 10 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 10% की सिविक रीति की रेटिंग मिली हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3.5 की रेटिंग दिया है और कहा है कि रूही फिल्म इसी और साथ ही रोमांच का एक जो है मनोरंजक मूवी है मिश्रण है और बॉलीवुड हंगामा ने इसे 5 में से 2.5 की रेटिंग दिया है और लिखा है कि निराशाजनक और साथ ही चरमोत्कर्ष के बावजूद भी रूही मूवी एक अनूठी और साथ ही अवधारण बेहतरीन प्रदर्शन करती है और कुछ यानी कि दिलचस्प और साथ ही अजीब और डरावनी दृश्यों पर टिकी हुई फिल्म है। कोई मूवी के उमेश और साथ ही पुनवानी ने फिल्म को 2.5 की रेटिंग दी है और कहा है कि रूही के पास इसके क्षण हैं लेकिन वह इसे और साथ ही मनोरंजन के रूप में लेबल करने के लिए बहुत कम रेटिंग दी है। कुल मिलाकर उत्पादन को रोक दिया गया और अभिनय विभाग चमकते हैं और अन्य बुरे से माध्यम रूप से अच्छे के बीच में रहते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल इस फिल्म के बारे में कुकरेजा ने कही है, जटिल फिल्म के रूप में वह वर्णित की है। उन्होंने फिल्म में राव और शर्मा के साथ जो है समीकरण की प्रशंसा की है लेकिन कपूर की आलोचना भी की और एनडी टीवी की शैवल चटर्जी ने इस फिल्म को 2.5 की रेटिंग दी है और कहा है कि फिल्म नारीवादी विद्रोह के इलाके में शैली की परंपराओं और साथ ही उद्यम को तोड़ना चाहती है। और इस रोल की नंदिनी रामानाथ ने कहा है कि रूही मूवी एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें कुछ आत्मा है लेकिन कोई आत्मा नहीं है। और साथ ही CNN IBN के रोहित वर्ष ने लिखा है कि सातिग्राम दीप सिंह लांबा और गौतम मेहरा द्वारा लिखित रूही पूरी तरह से उनके साथ जो है कि बेकार में सहजता फिल्म है। दोस्तों इस वीडियो में हम रूही मूवी से जुड़ी काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। उन्होंने इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ कहा है। CNN IBN के रोहित वर्ष ने लिखा है कि साथ ही उनके साथ जो है मगरदीप सिंह लांबा और गौतम मेहरा द्वारा लिखित की गई रूही पूरी तरह से यानी कि सहजता और एक ठोस यानी कि शुरुआत के बारे में है। हालांकि राव और शर्मा दोनों अपने पसंदीदा क्षेत्र में हैं लेकिन उनके आगे और पीछे और यानी कि बदला इन हंसी पैदा करती है। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने रूही फिल्म को 1.5 की रेटिंग दी है और इसे सादा और भयानक फिल्म कहा है। उसने आगे कहा कि रूही मूवी एक यानी कि सुसंगत कथानक और लेखन को याद कर रही है। हमें अगले
हमें अगले के बाद एक यानी कि क्रिंग और साथी प्रेरक अनुक्रम मिलता है। ट्रेड और साथी एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म को 2.5 की रेटिंग दी है और इसे जो है निराशाजनक बताया है। आगे उन्होंने कहा कि स्त्री की करीब कभी भी यानी कि कमजोर पटकथा लेखन वीर्स और साथी उनके साथ जो है स्पर्श में काम करता है पूरी तरह से नहीं और साथ ही सेकेंड हाफ प्लस और क्लाइमेक्स में प्रभाव का अभाव है। लेकिन उन्होंने मुख्य और साथी कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की और फिल्म कैंपेनिंग की अनुपमा चोपड़ा ने लिखा है कि फिल्म कई गोंदों को जोड़ना चाहती है और डरावनी कॉमेडी नारीवाद संदेश मूवी है। इस फिल्म में आपको प्रेम त्रिकोण एक जो है बोमांस एक ब्रोमांस लेकिन लगभग जो है सभी को छोड़ दिया जाता है। और फर्स्ट पोस्ट के अन्ना एमएम वेटिकेट ने फिल्म को 1.5 की रेटिंग दी है और लिखा है कि रूही हॉरर कॉमेडी है जो कि छुटपुट और हास्य नारीवाद और अंकन छाव के बावजूद भी आगमन पर मृत है। उन्होंने राव और छाती शर्मा की कॉमिक टाइमिंग के लिए प्रशंसा की लेकिन लेखकों और फिल्म के साथ ही समग्र कथानक और कपूर के प्रदर्शन की आलोचना करते हुए कहा है कि वह किसी अन्य को कास्ट कर सकते हैं तो अभिनेता को उनके स्थान पर रखा जाएगा और इससे फिल्म को एक इंच भी फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि रूही की अपने और साथ ही नारीवादी लक्ष्यों के प्रति जो है प्रतिबद्धता की कमी को अपनी जो है महिला और कलाकार की अप्रासंगिकता से जो है बेहतर कुछ भी नहीं दर्शाता है। और नम्रता जोशी और साथ ही नेशनल और साथ ही हेराल्ड इंडिया की तुनाव और दी रूही विद स्त्री और साथ ही कहा है कि जबकि स्त्री और साथ ही फुल झड़ी है और साथ ही विसंगतियों के बावजूद भी उल्लेखनीय रूप से जो है देखने योग्य मूवी थी। रूही मूल के लिए जो है सराहनीय है और इसके ड्रावनी पक्ष को जो है यानी कि सही ठहराने के लिए सीट से यानी कि कूदने का कोई भी क्षण नहीं है, कोई भी ठंडक नहीं है। जहाँ तक कि कॉमेडी का सवाल है इसमें जो यानी कि बमुश्किल कोई योग्य है और साथ ही परिहास और बेहुदा पंतियाँ है केवल इस फिल्म में जो है इनके लंगड़ा थप्पड़ और चुटकुले जो कि सपाट हो जाते हैं। डेकन हेलार्ड के रोटिक राजपाल ने इस फिल्म के बारे में कहा कि बड़ी निराशा इस फिल्म को उन्होंने कहा। उन्होंने राव और शर्मा के प्रदर्शन की प्रशंसा की लेकिन कपूर की आलोचना की थी और कहा कि कपूर एक प्रभाव बनाने में विफल रहे हैं। और साथ ही मैसेबल और इंडिया की सुश्री साहू ने राव और शर्मा की प्रशंसा की लेकिन कपूर और फिल्म के निर्देशक की उनके साथ जो आलोचना करते हुए कहा कपूर बिना किसी ध्वनि और निर्देशन के एक यानी कि स्पार्ट प्रदर्शन के साथ जो है बस देखने योग्य नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं रूही फिल्म को जिसे 2021 में रिलीज किया गया था। दोस्तों अब इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बतलाने के बाद मैं आप लोग से इस वीडियो से विदा ले लूँगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बतलाने के बाद इस वीडियो से हम विदा लेने वाले हैं। दोस्तों इस फिल्म को 20 करोड़ के बजट में बनाया गया है और ये मूवी 30.33 करोड़ का इनकम किया है दुनिया भर में। रूही फिल्म ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3.6 करोड़ की कमाई की है। दूसरे दिन कलेक्शन इसका घट गया 2.25 करोड़ रह गया था और इसने तीसरे दिन फिर से अपने कलेक्शन को थोड़ा आगे किया 3.42 करोड़ का इनकम किया और इसी तरह ये मूवी 385 करोड़ का कलेक्शन किया और फिल्म का कुल ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन जो है 12.58 करोड़ हो गया था। और 2 अप्रैल 2021 तक भारत में ये फिल्म 27.68 करोड़ और विदेशों में 2.65 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म का दुनिया भर में 30.33 करोड़ का कलेक्शन रहा। और फिल्म के बाद फिल्म भेड़िया भी 2022 में आपको देखने की मिलेगी, इसकी अगली कड़ी होगी 2022 में आएगी जिसमें कपूर रूही के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे। फिल्म में राव के साथ एक सीधा सीक्वल भी होगा और कपूर और साथी वरुण शर्मा के फ्रेंच चाइनीज के अन्य पात्रों के साथ लौटने की उम्मीद है जिसमें राव को और साथी भावरा पांडे और विकी के दोनों किरदारों को निभाने की उम्मीद है। दोस्तों इस वीडियो में हमने रिव्यू किया है रूही फिल्म को जिसे 2021 में रिलीज किया गया था। इस मूवी से जुड़ी कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हमने बताया है जो आप लोग नहीं जानते होंगे। सो आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेल एंड सी यू सून।